हेलो एवरीवन, वेट वेट वेट, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैंने अपने पिछले हफ्ते के पूरे मेहनत को कंबाइन करके ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ। सीएमए इंटर डायरेक्टर्स चैप्टर की अगर मैं आपको झलक दिखलाऊं इंस्टीट्यूट मैट से, सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट से, तो देखिए डायरेक्टर्स में सेक्शन 149 आपके सिलेबस में है। उसके बाद 149 के सारे रूल्स सिलेबस में नहीं है, बट देर आर पॉइंट्स रिलेटेड टू 149, डेफिनेशंस ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो हम लोग बेसिक्स में भी पढ़ चुके थे जब सेक्शन 2 पढ़ाता था आपको। देन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर पढ़ाऊंगा, सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहा हूं, वेट वेट वेट, फर्स्ट डायरेक्टर्स, फिर कई बार डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसी, कितने डायरेक्टर्स रोटेशनल टाइप के होंगे। सर ये क्या हो रहा है आज? आज बहुत कुछ होगा। मैंने अपने तीन क्लास को कंबाइन करके एडिट करके यूट्यूब पर आपके लिए 10-12 मार्क्स के जो डायरेक्टर्स चैप्टर सीएमए इंटर में आते हैं उसको यहां पर कंप्रेस किया है। एज पर द सीएमए मैट मैंने उतना ही पढ़ाया है जितना सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट में है, बट आई हैव यूज माई नोट्स। डिन नंबर कैसे हासिल किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, 164, 167, 168, 169, सो बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़े हैं। एंड देन 196 एंड शेड्यूल 5 भी आप देखोगे। तो ये फायदा क्या हुआ, सीएमए मैट को बेस बनाते गए, क्रॉस रेफरेंस हम लोग करते गए, अल्टीमेट फायदा क्या हुआ, डायरेक्टर्स आप देखोगे अराउंड 4.5 आवर्स में कंप्लीट भी हो गया। इंस्टेड ऑफ लॉन्ग क्लासेस ऑन डायरेक्टर्स लाइक सीएमए फाइनल, वी रादर फॉलोड सीएमए इंस्टीट्यूट मैट। सिमिलर थिंग वी फॉलोड फॉर इंडस्ट्रियल लॉ पोर्शंस, तो इंडस्ट्रियल लॉ के मैराथन वीडियोस भी प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखिएगा। रिसेंटली वी सॉल्वड मल्टीपल पेपर, मल्टीपल मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, आंसर्स मैंने सीएमए मैट से दिखाते हुए सॉल्व किया। आई जस्ट डिडंट कॉल आउट द आंसर, मैंने इंस्टीट्यूट मैट के को रेफर करते हुए किया है। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, और इस टाइप के और अच्छे वीडियोस आपके लिए बन के आते रहेंगे। पर ये वीडियो अब आप देखेंगे, इसमें आप तीन रूप मेरा देखेंगे, मतलब मैं ही हूं। मैंने अपने पिछले हफ्ते जब तीन क्लासेस डायरेक्टर्स के लिए थे उसको ज्वाइन कर दिया है, ताकि एक कॉम्पोजिट जगह आप डायरेक्टर्स फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज भी करते रहे, और इंस्टीट्यूट मैट को भी मैंने जगह जगह दिखला के कि कौन सा रेलिवेंट पोर्शन आपके इंटर में है, तब कुछ छोटा भी नहीं। मोर ओवर वी हैव ट्राइड टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसलिए ये क्लास आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा। एंड आफ्टर यू डू माई क्लास, आफ्टर यू कंप्लीट, आप ये वाले MCQs भी करिएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, मोस्ट टॉपिक्स विच यू हैव रेड इन 3.5 आवर्स, चेक योर सेल्फ कि आप इन 10 क्वेश्चंस को जानते हैं, क्या आप ये चूज द करेक्ट आंसर को जानते हैं, क्या आप ट्रू फॉल्स को जानते हैं, यहां तक आपको पूरा कर लेना है ईमानदारी से। वंस यू कंप्लीट माई 3 क्लासेस यू हैव टू डू दैट। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। सर पूरा पेपर वहीं से आएगा क्या? नो, बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे और लोगों तक फैलाइएगा, उनका भी अच्छा हो पाएगा, एंड पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ सीएमए लॉ विल नाउ बिकम वेरी स्कोरिंग सिंस आई एम नाउ एक्टिव ऑन यूट्यूब। ओके, थैंक यू सो मच। जाना नहीं, क्लास करना, अभी आगे सीरीज चालू होने वाले। कैन आई स्टार्ट? हेलो, ओके, फ्लाइट इज रेडी फॉर डिपार्चर, और आज हम लोग सीएमए के अनुसार, सीएमए इंटर के अनुसार कुछ टॉपिक्स करेंगे डायरेक्टर्स का। तो ये आपके एक दूसरे बुक में दिया हुआ है, बुक का नाम क्या है भाई, जो भी नाम हो, एक बुक, अलग बुक जो हमारी रहती है, नॉट वॉल्यूम वन बट सम अदर बुक विच वी गिव इट टू यू, उसमें इंडेक्स में आप देखिए डायरेक्टर्स बोलकर कुछ दिखेगा। नाउ बिफोर आई फॉरगेट वन थिंग, ये डायरेक्टर्स के टॉपिक्स फाइनल्स में फिर से हैं और डिटेल में, और बुक भी सेम है। सर तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी बहुत कम कम पोर्शन पढ़ेंगे जो अभी आपके इंटर के एग्जाम के अनुसार है, और लिखना डायरेक्टर्स इज ऑफ 8-10 मार्क्स इन सीएमए इंटर। तो सारे बच्चे जो डायरेक्टर्स छोड़ के जाते हैं वो पछताते हैं, 10 मार्क्स है डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। अल्टप्पा में राइट हुआ है सब्सक्राइबर्स देखकर। चलिए, पीपल आर आस्किंग द कॉलेज क्वेश्चंस, बट दैट विल बी लेटर लेटर लेटर। सो नाउ हु इज अ डायरेक्टर, अगर मैं बात करूं डायरेक्टर कौन है आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर जो कंपनी को मैनेज करते हैं और जिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बैठते हो,
तो आइए मेरे बुक में कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, उसे घबराइएगा मत। देखिए, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। ये मेरी पर्सनल किताब है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, ये सबको पता था। एंड टेल मी वन थिंग बिफोर राइटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बोर्ड? स्विच बोर्ड या व्हाइट बोर्ड? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट द कंपनी। कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बचपन में पढ़े थे हम लोग कि कंपनी को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। तो बोर्ड इज द कलेक्टिव नेम फॉर डायरेक्टर्स। तो एक चीज लिख लो, एमसीक्यू अगर आ जाए गंदा पेपर का ही, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड डैश, 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 BOD। बहुत सिंपल सिंपल हम लोग चीजें पढ़ेंगे, प्लीज लिसन टू मी। इसमें ना कई सेबी वर्ड दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, वो आप लोग को इंटर में नहीं पढ़ना है। सर बुक में क्यों दिया आपने? अच्छा लग रहा था, बुक बन रही है, बट यू डोंट हैव टू रीड। सो फॉलो व्हाट आई डू। मेरे स्ट्रक्चर्स अलग है, अंदर से आपका और मेरा बिल्कुल सेम है। ये देखो लैंग्वेज, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1, उसका जो क्लॉज ए है वो क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। MCQ, डायरेक्टर्स सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। लॉजिक जानते हो इसका क्या? डायरेक्टर्स की है ना क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, तो अगर आप किसी कंपनी को डायरेक्टर बना देंगे तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जेल कैसे जाएगा? बोलो कीर्ति, है ना? लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ तुम्हारा फेवरेट है, पर इसको भी अच्छा ध्यान दो। एवरी कंपनी, नो यस्टरडे शी हेल्प्ड अस अ लॉट इन दैट रिविजन। सो एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। MCQ कि इंडिविजुअल्स को डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट किया जाता है। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? ये सबका रॉन्ग होता है नेहा। मिनिमम डायरेक्टर्स 3 चाहिए पब्लिक कंपनी में। सब इसमें ना 7 लिख के आ जाते हैं। सब 7 क्यों लिखते हैं? सब्सक्राइबर्स 7 होते हैं पब्लिक कंपनी में, एंड 2 डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ OPC। बोलो यहां तक सही है? वेरी गुड। ये सेबी लोडर की कुछ ज्ञान दिख रही है? कुछ अगर अगर किसी के बुक में सेबी LODR का कुछ ज्ञान दिख रहा हो उसको काट देना। नॉलेज के लिए बता दूं एक लाइन, नहीं दिख रहा है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फाइनल में पढ़ोगे। लिस्टेड कंपनीज को बताया मैंने कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 पढ़ाते वक्त भी, लिस्टेड कंपनीज में मिनिमम डायरेक्टर्स कुछ और हो जाते हैं, यानी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज में 3 रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मिनिमम 6 हो जाएगा। थोड़ा सा जानना जरूरी है, कल को ऑफिस ज्वाइन करो। लिस्टेड कंपनीज जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज हैं वहां मिनिमम डायरेक्टर्स अलग हैं। आपके बुक में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सिलेबस में भी CMA इंटर में नहीं है। अब इधर आओ, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? आंसर मिल गया 15। MCQ प्लीज लिखते रहना। कंपनी में अपॉइंट, OPC में डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है। सब एग्जाम में लिख के आया डायरेक्टर एक ही होगा, OPC है। अरे यार, OPC तो शेयर होल्डर की गिनती के लिए एक है, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हो सकता है। 15 तक भी जा सकते हैं आप, और 15 के ऊपर जाना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यस, अभी डोंट आस्क दैट। ओके, नेक्स्ट, दे कैन हैव, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट पासिंग SR। ये लाइंस लिख लेना अगर नहीं है, कहीं पर SR के बिना भी वो 15 के ऊपर रख सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स का कैप है वो सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करता है। एग्जाम में आएगा ONGC 18, 14 डायरेक्टर था, 18 रखना चाहता है, आप बोलेंगे 15 के ऊपर जाना है तो SR पास करो। पर ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी, अगर आपको समाज में नाम पता हो, जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल CGSG होल्ड करता है, पढ़ के देखो। They can have more than 15 without passing SR. लिख लीजिएगा if you don't have. अगर आपका ये नहीं है तो लिख लेना। 15 के ऊपर आप जा सकते हैं without passing SR, कौन से दो कंपनीज में? एंड सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन होता है? आपको मैं बेसिक डेफिनेशन क्या याद दिलाऊं, 51% पेड अप कैपिटल, या तो CG या SG या दोनों,
एंड एक और केस होता है, अगर आपकी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो कंपनी क्या मानी जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी था। बोलो अभी तक कोई टफ लगा? तो डायरेक्टर्स इजी पोर्शन है, लोग छोड़ के जाते थे, अब नहीं छोड़ेंगे। स्टार्ट राइटिंग इफ यू आर राइटिंग लिटिल इन अ बेटर वे, जल्दी लिखिए। विदाउट एस आर सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी में विदाउट एस आर भी आप 15 के ऊपर रख सकते हैं। तो यहां से मैंने आपको बता दिया एमसीक्यूज जोन भी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, सुनिए, 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट द रिक्वायरमेंट अबाउट मिनिमम डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्ट में 5 मार्क्स का आ जा रहा है। तो आप लिख पाएंगे एवरी कंपनी शुड हैव इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, 2 इन प्राइवेट कंपनी, 1 इन ओपीसी एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। इफ दे वॉन्ट टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स, एस आर इन जीएम इज पास, बट फॉलोइंग 2 कंपनीज कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट पासिंग एस आर। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन में आए तो भी टेंशन नहीं है। वुमेन डायरेक्टर, मैंने मल्टीपल टेस्ट पेपर में भी देखा था, एग्जाम में वुमेन डायरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेट अस स्टार्ट। फॉलोइंग कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। किस किस कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा? आपके पेजेस भी इसी टाइप के होंगे, ऑलमोस्ट कुछ एक दो वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। लिस्टेड कंपनी में हमेशा एक रखिए। और ये तो मजेदार है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, याद रखना मैंने प्राइवेट नहीं बोला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बोर्ड देखिए जिनके वर्ड्स अलग हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या ज्यादा हो या टर्नओवर, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पेड अप कैपिटल है, प्रिंटेड है, कौन है, पैराग्राफ फॉर्मेट में है, सेम चीज है, तो क्यों कॉपी करना है? इट्स सेम, सब सेम है, मैंने थोड़ा सा एडिट किया बस। हाँ, तो अनलिस्टेड वाम समझाने के लिए बोलता, अनलिस्टेड पब्लिक, तो एवरी अदर में तो अनलिस्टेड ही आएगा, बिकॉज लिस्टेड आ गया तो एवरी अदर पब्लिक, मतलब ऑपोजिट में एक ही कैटेगरी बचा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके या तो पेड अप कैपिटल ऐसे ऐसे हो या टर्नओवर ऐसे ऐसे हो, और 100 रुपीज नहीं 100 करोड़। हम इसको ऐसे याद किया है कि हाँ, हम इसको ऐसे याद करवाया आप लोगों को कि क्लास में जो समाज में जो वुमेन होती है उन लोगों के डिमांड्स बहुत हाई होते हैं। एक कन्या से पूछा गया कैसा लड़का पसंद है, जिसका आया तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ की पार्टियों से शादी करना चाह रही है, उनको दिल नहीं देखना, उनको सिर्फ पैसा देखना है। तो ऐसे लोगों के लिए वुमेन डायरेक्टर याद करना ईजी होगा। वो वुमेन कितना डिमांड कर रही थी, कैसा लड़का? सर पेड अप कैपिटल लड़के का 100 करोड़ हो या टर्नओवर। हम इसको ऐसे याद किए, वुमेन डायरेक्टर्स आर वेरी डिमांडिंग, सो हाई फिगर्स, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या टर्नओवर 300 करोड़। अब एग्जाम में क्या आएगा पता है प्रतीक? लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल 99 करोड़, क्या उसको वुमेन डायरेक्टर रखना होगा? अभी पढ़े हो, जल्दी बताओ। प्रतीक फंस गया, प्रतीक बोल रहा है नहीं रखना होगा, क्योंकि प्रतीक वुमेन की यादों में खो गया है, मतलब एग्जांपल में तुमको याद आ गया 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, वो तो अनलिस्टेड था। लिस्टेड में कुछ भी फिगर हो बच्चों, समझ में आ रहा है फैज भाई? लिस्टेड कंपनी जैसे ही हो, आई नो, लिस्टेड कंपनी जैसे ही हो याद रखिए उसमें अट्रैक्ट होगा। एकम समझ रहे हो? ओके, फैज और उसके वो वाले दोस्त जिसको फैज पहले कुछ बोल के लाता था, मतलब अब दोनों वैसे ही हो गए हो। तो देखिए, लिस्टेड कंपनी जिसके ऐसे ऐसे हो, मे बी ही हैज हैविंग सम वर्क, पर घर में कर रहा, अच्छा बात है। ओके, तो लिस्टेड कंपनी फिगर्स जो भी हो आपको ये सेक्शन अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, जान मुझके 98 देगा, एक लड़का बोलेगा 2 करोड़ के लिए बच गया रे, अरे तुम फंस गया है, क्योंकि जैसे ही लिस्टेड कंपनी है ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वापस इस बार टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारे सीएमए इंटर का नहीं है भाई, नहीं दिया हुआ है ये, सेबी लोड है, सीएमए इंटर के मैट में, इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर कभी वैकेंसी हो, कभी कोई प्लेस खाली हो जाए, एक तो रखना पड़ता है ना वुमेन डायरेक्टर, वो प्लेस अगर खाली हो जाए कितने टाइम के अंदर हमें भरना चाहिए वैकेंसी से? हाँ हाँ, क्या चीज भूल गए? कंपनी लॉ का तो चैप्टर चल रहा है, तो सारे एमसीए पोर्टल पे जाएंगे ना इंफॉर्मेशन, सही बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ वेकेंसी, यानी जब खाली हो वहां से 3 महीना। अब सपोज नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 4 महीने बाद हो रहा है, तो तुम अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी भरते हो चलेगा,
अब रुको, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगर एक ही महीना बाद हो रहा है तो भी मेरे को 3 months का टाइम मिलेगा, क्यों सर? विच एवर इज लेटर। एक बार वापस बोलिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके बच्चे लोग, ध्यान से सुनो। सपोज आज है 1st जुलाई और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 1st अगस्त और हम 15 अगस्त तक भी वैकेंसी फिल नहीं किया, तुम्हारे मन में तो टीस है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग बोले थे फिल हो जाएगी, वो आ जाएगी नई वाली वुमेन डायरेक्टर, आई एम मिसिंग हर, मिस करो तुम जीवन भर मिस करो, क्योंकि अभी विच एवर इज लेटर लिखा हुआ है, मिसिंग हर। थोड़ा सा तुमको तड़प अपना सहन करो, आएगी वुमेन डायरेक्टर, आएगी तुमको एक हंटर लगाएगी, क्योंकि विद इन 3 months, समझो प्रतीक, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज। सर हमको याद कैसे रहेगा वुमेन डायरेक्टर में विच एवर इज लेटर या अर्लियर है, तो प्रति कैसे याद रखना, थोड़ा वेट करना होता है यहाँ पर, तब वो मिलती है। सब्र का फल कड़क होता है, मीठा होता है। देखिए हमारी बहना लोग आपको आइडिया भी दे रही है, हमारी बहना लोग, ओके लोग किया ये एग्जाम्पल्स। अब मैं रीडिंग के लिए टाइम दे रहा हूं, एक मिनट आपको, डोंट हैव टू कॉपी इफ यू डोंट हैव इन योर बुक, इट्स नॉर्मल इंग्लिश, आई जस्ट मेक अ फुल स्क्रीन, पढ़ लीजिए, कॉपी मत करिए इसके लिए, कल तो देखे थे और वही जुलाई अगस्त की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन है, जस्ट रीड इट, आई विल वेट फॉर 30 seconds। और पता है एग्जाम में पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर जो भी लास्ट ऑडिटेड वाला रहता है वो वाला कंसिडर करते हैं हम लोग, पूरे बैच को संग में याद हो रहा, विच एवर इज लेटर कभी मत भूलना, क्योंकि विमेन डायरेक्टर्स लोग के लिए एक दिन तो ऐसे याद कैसे, इन लोग मेकअप करती है लेट करते हैं, तो विच एवर इज लेटर, बट मेकअप इज आउट ऑफ फैशन नाउ डेज। जब भी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में जो अच्छा एक आइडिया दे दे आप लोग को, तुम लोग को आइडिया नहीं है ना, तुम लोग सोचते हैं मेकअप करना ही अच्छा होता है, इन कॉर्पोरेट मीटिंग टू लाउड मेकअप्स आर नेवर प्रेफर्ड। जब इंटरव्यू में जाओ ना, वो पुराने जमाने में होता था 1980s की जितनी हीरोइन है ग्लॉसी लिपस्टिक लगा के, काजल आंखों से गिर रहे काला, एकदम लाइट मेकअप, सोबर ड्रेस कलर्स, लाइक अगर आप मेन हैं तो लाइट ब्लू, वाइट मत पहनना क्योंकि अगर टैक्सी में जाते हो निशान लग जाएगा तो खराब। एंड वुमेन गोइंग फॉर इंटरव्यू ऑलवेज लाइट कलर, कई लोग समझते नहीं है यहाँ पर, तो रेड कलर का टॉप पहनकर उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूट गर्ल, बेबी गर्ल, इस टाइप की ड्रेसेस पहनकर नहीं जाया जाता, एकदम सोबर ड्रेस खरीद के लाइएगा इंटरव्यू के लिए। हाँ फॉर्मल्स में भी, मतलब कई लोग फिर भी समझते नहीं अपना, उसमें एक इनफॉर्मल टच दे ही देते हैं। एक चैप्टर होता था सीएस में ड्रेसिंग एटिकेट्स, वो भी बहुत मजेदार चैप्टर होता था, पढ़ाएंगे आप लोग सबको। अरे ट्रेनिंग जो होता है ना सीएमए इंस्टीट्यूट का, उसमें सिखाते हैं खाना कैसे खाना है जब आपको जाना ना वहां पर। यस यस ओटी में होता है, आप जब वहां खाना खाने जाएंगे ना कॉर्पोरेट मीट में, कोई सेमिनार में जाते हैं तो ऐसे भूख लगता होगा प्रतीक तुमको, पर थोड़ा कम खाना वहां पर लोग नजर भी रखते हैं कितना खा रहे, 8-8 रोटी, और कभी भी एक साथ भर के मत लाओ प्लेट में, थोड़ा थोड़ा लाओ एज इफ। और खाना खाने के समय बोलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाँ 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 यस यस यस, पढ़ाए क्या आपको ओटी में? चलिए आइए, बच्चे भावुक हो गए ना। आज दो नाम सीखा, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स नॉर्मली कितना सलोनी, 15 के ऊपर जा सकते हैं क्या एसआर, वुमेन डायरेक्टर, यस यस यस, बच्चे लड़ लिए प्रोविजंस के लिए। आइए अब आइए रेसिडेंट डायरेक्टर, तुम्हारी बुक्स में है, वहीं पर है उसी पेज में। और सुनो, हम सब है हिंदुस्तानी, हम सब है भारतीय, हम सब हैं इंडियन, तो इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर एवरी कंपनी में एक होना चाहिए, वरना लोग ना रोने लग गए, फिगर याद नहीं आ रहा है कौन सा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में होता है, तो बोला यार तुम देश का है या कहाँ का है, रेसिडेंट डायरेक्टर एवरी कंपनी, सर एवरी कोई वाला भी, एवरी चलेगा क्या? यस कोई सा भी, एवरी, हर कंपनी में एक रेसिडेंट होना चाहिए, इसका लॉजिक, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लॉजिक जानते हो क्या है, सब कोई कांड खराबा करके बाहर भाग जाएंगे तो पकड़ेंगे किसके, एक तो हो, और वो कैसा रेसिडेंट हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लैंग्वेज चेक करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज आई है अभी भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, नहीं पर इसमें कुछ हम नया कैलकुलेशन दिखाएगा, 182 डेज वो यहां नहीं है, तुमने कहीं ओपीसी में 120 डेज पढ़ा होगा, वो यहां नहीं है, एलएलपी में 120 डेज पढ़ा होगा अमेंडमेंट 120 अब, और यहां वाला अभी भी 182 है, हाँ हाँ तो पता ही है, वो यहां मत कंफ्यूज करो बच्चों को, ओपीसी में हम लोग पढ़ते थे दैट यू मे बी अ रेसिडेंट शेयर होल्डर, यू मे नॉट बी रेसिडेंट, हाँ वो तो फर्क भी नहीं पड़ता, यहां प्लीज अच्छे से लिखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जो आपके बुक्स में नहीं है, अभी हम फुल पेज करके इसको रीड करेंगे, चलो समय स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, हाँ हाँ कोई बात नहीं पढ़ो, कोई कॉपी भी करो मत, मैथ्स है नॉर्मल मैथ्स पढ़िए,
ये कंपनी बना कितने तारीख को, यानी कि इसके टोटल डेज 365 थे ही नहीं ना, कितने थे? तो अब हमको प्रपोर्शनेटली चेक करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर हेल्ड ऑन 30th सितंबर, तो सितंबर से 31st मार्च ये कितना रह लिया? पर एग्जाम में पता है क्या करता, हम जानबूझ के क्या लिखता, सुनो ना, हम लिख के आता कि वो और लेट से अपॉइंट हुआ है सपोज, और वहां तुमको 182 से कम दिखाता। हम जब 182 से कम दिखाता तुम तो बस एक ही चीज दिखाता, नॉट पॉसिबल, ही इज नॉट रेसिडेंट 182 डेज। पर जब बना ही तुम्हारा लेट से, साल की शुरुआत से नहीं बना, यूनिटरी मेथड आता है ना कि अगर 365 डेज काम करता है तो हम लोग को वैसे चाहिए, पर यहां पे काम कितना किया है 331, तो नॉर्मल मैथ्स है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हमें प्रपोर्शनेटली चेक करना पड़ेगा 182 डेज और मोर वाला स्लैब। इसमें कोई सम करवा दिया एक बार ऐसे ही, पर कुछ आने का है नहीं। तुम लोग समझ गए प्रपोर्शनेटली का मतलब, अगर हमारे इनकॉर्पोरेशन ही बात से हुई हम उस हिसाब से देखेंगे, राइट 165 आ रहा है तो हम लोग का तो बहुत ज्यादा ही ऑलरेडी, पर हम जानबूझ के एग्जाम में मेरे को फिगर देना चाहिए था 170 का, तो तुम लोग तब भावुक हो जाते, बताओ कैसे, ए 182 तो नहीं हुआ, पर 182 नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 165 हो रहा है ना प्रपोर्शनेट हिसाब से, इज इट ओके? तीन नाम क्लियर हुआ सब बैच को, सो कॉपी करने की दरकार वैसे नहीं है, फिर भी नेवर आस्क्ड एन एग्जाम ऑफ सीएमए इंटर। हाँ हाँ लिखो दो मिनट, इफ समवन वांट्स टू राइट समथिंग फ्रॉम दिस इन्फ्रेंस यू कैन डू इट, आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए वेरी गुड, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, ये आपके बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन आपके लेआउट्स अलग होंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको तो पूरा पढ़ना भी नहीं है। सबसे पहले बच्चा लोग इधर देखो, जब मैं एक वर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने पहले भी यूज किया है लाइफ में कई बार, दे आर नो वन विल राइट, नो वन विल राइट, सबको एक काम करो फर्स्ट पेज में आओ और फर्स्ट पेज में ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, कोई कॉपी नहीं करेगा दो मिनट, सिर्फ देखो। जब हम लोग डायरेक्टर शब्द बोलते हैं ना, ऑल ऑफ यू लिसन टू दिस चार्ट, दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कोई कॉपी अभी मत करना रिक्वेस्ट है, और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो जब मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलता हूं, पता है इन लोग कौन होते हैं? इन लोग एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, दे आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जो हमेशा फुल फ्लेज्ड कंपनी में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, दे आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, और इनका मेन काम क्या होता है बताओ? एडवाइसरी रोल, यस, इन लोग एडवाइसरी रोल होता है इनका, सुपरवाइजरी रोल होता है। जैसे मुकेश अंबानी इज नॉट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही इज द एग्जीक्यूटिव मेन, ब्रॉड मतलब डिसीशंस मेन इन लोग मुकेश अंबानी लेंगे, पर इन लोग उसको एडवाइस देंगे सही है या गलत है, या आप लोग कहीं कुछ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स तो नहीं कर रहे हो, सब कॉपी करवाएंगे, थोड़ा सा रुकना होगा। और ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। ओके सर इसके एग्जाम्पल दीजिए ना, इसके एग्जाम्पल MD, WD, ओके। नाउ जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं बच्चों, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अब ये दो टाइप के हैं, वन इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड और एक है नॉन इंडिपेंडेंट, मतलब कि
तो अगर एक बात मैं बोलूं, सिर्फ ट्रू फॉल्स, नो वन विल राइट एनीथिंग नाउ, एकदम लास्ट में लिखवाऊंगा, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दो प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, नॉन इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. तो एक सिंपल लाइन पहले समझ में आ गया, डायरेक्टर्स दो प्रकार के, एग्जीक्यूटिव आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर हैविंग एडवाइजरी सुपरवाइजरी रोल, दे आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स. और एक चीज सर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों रखना पड़ता है कंपनी में, प्लीज सुनना, ग्लोबल प्रैक्टिसेस है. बोलते हैं कि अगर हम सारे कंपनी के अंदर वाले लोगों को डायरेक्टर्स बना देंगे ना, उन लोग ज्यादा मिसमैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि हर समय इन्वॉल्व रहता है ना, ज्यादा माथा में कुछ इन्वॉल्व होता है उनके. ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स लोग आके अपना एडवाइस देते हैं, इन लोग का काम होता है शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखना, गवर्नेंस रोल जिसको बोलते हैं. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉरेन के हर कंट्री में मैंडेटरी है कि आपको आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितना प्रतिशत डायरेक्टर्स पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, क्योंकि सारे अगर फैमिली मेंबर्स ही कंपनी के बोर्ड पे बैठ गए, अंबानी जी सारे अगर बैठ जाएंगे तो रिस्की है ना. तो आप देखो कि अगर अंबानी का कॉम्पोजिशन स्टडी करोगे, उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या होता है, बेटर डिसीशन मेकिंग होता है कंपनी का, गवर्नेंस, एक वर्ड याद रखना, गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट एथिकल और इम्पार्शियल मैनर में होता है, बायस डिसीशंस नहीं होते. तो इसलिए भारत में भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल बढ़ा, स्पेशली आफ्टर द एपिसोड ऑफ सत्यम. सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, उस समय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट भारत में नहीं थे उतने. अब इंफोसिस जैसी कंपनियां अपनी इच्छा से पहले से रखती थी, पर ये 2000 साल के बाद, कुमार मंगलम बिरला नाम सुने हो, उन्होंने ना बहुत कुमार, अच्छा बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत अच्छा माना जाता है एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो कुमार मंगलम बिरला ने इस कॉन्सेप्ट को, दे आर ऑल्सो, बट कुमार मंगलम बिरला को इनिशिएटिव दिया था गवर्नमेंट ने, एंड ही केम आउट विद दिस कॉन्सेप्ट कि लिस्टेड कंपनीज में पहले आया. पहले ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कहां था कि लिस्टेड कंपनीज को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इतने इतने रखने पड़ेंगे, पर जब 2013 वाला कंपनीज एक्ट आया, इन्होंने पहली बार कंपनीज एक्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया. पहले कंपनीज एक्ट में कहीं वर्ड यूज ही नहीं होता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब होता है. तो ये कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में इतने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 1/3. एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट कंपनीज एक्ट के अनुसार. एंड ये वाले कंपनीज भी, ये वाले मतलब सर्टेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसके ऐसे ऐसे फिगर हो, कैसे कैसे फिगर हैं इसके भाई देखो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतने के ऊपर आता हो, जिसका टर्नओवर इतने के ऊपर आता हो, या जिन कंपनियों ने मार्केट से लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स इतने के ऊपर ले रखा हो, इन लोगों के यहाँ जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, इनके यहाँ मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो एग्जाम में आएगा क्वांटम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज 1/3 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एंड सर्टन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स. अलग इंक जरूर लगाना, बहुत दूर से अच्छा दिखाई देगा. पेड अप कैपिटल टर्नओवर तो पहले भी आया था वुमेन डायरेक्टर में भी, पर वुमेन के फिगर्स हाई थे क्योंकि दे आर वेरी डिमांडिंग. पर हम लोग क्या चाहते थे, हम इसको लॉजिक दे रहे हैं, इसमें फिगर्स कम क्यों रखा है गवर्नमेंट, ज्यादा कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना पड़े. इसलिए पेड अप कैपिटल इस बार 100 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ है. अरे वाह, इस बार टर्नओवर 300 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है. इस बार लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 50 करोड़. बोलो, सेम है तुम्हारे बुक में, तो शायद कुछ टेबल भी बना हुआ है. अच्छा सेम ही तो है ना. हाँ तो वैसे तो मैं लिख दिया हूं, स्टार्ट राइटिंग. अच्छा लास्ट वाला में सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है. ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, हाँ वही तो लिखा है मैंने, पढ़ के देखिए.
नहीं यहाँ आ जाना फिर. पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या लोन डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स बोल के लोगों से पैसा उठाए, ग्रेटर देन है, इस बार इक्वल टू नहीं है. पहले दो में ग्रेटर देन इक्वल टू है, बाद वाले में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रखने पड़ते हैं लिस्टेड कंपनीज में? 1/3. और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने रखने पड़ते हैं? 2 डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट. एक मिनट वापस बताओ, क्या सारे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं? नहीं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पढ़ लिए तो क्लास में बेहोश हो जाओगे. इट्स हाई फाई. एक बार बस सीएमए इंटर में डेफिनेशन पूछा है, उस पर सम्स नहीं आएगा. फाइनल्स में वो क्राइटेरिया पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, एक एक क्लॉज पे सम होता है. इंटर में सिर्फ बेसिक जानना है, वरना तुम उड़ जाओगे. ओके? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वांटम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बताओ. लिस्टेड पब्लिक कंपनी एमसीक्यू में 1/3, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके फिगर्स ऐसे ऐसे क्रॉस हुए हो, 2 आईडी ज्यादा डाल लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अच्छा, ये सब तुम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है. अगर बाय चांस किसी के बुक में दिया हो तो काट देना. इंटर के एग्जाम्स के लिए कुछ नहीं पढ़ना है. ये सब नीचे में कुछ ज्ञान दिया हुआ था. हाँ, नहीं है, नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको. पहला लाइन देखो डेफिनेशन का. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन, ये लाइन कम से कम पता होना चाहिए, अदर देन एमडी डब्ल्यूडी. एमडी डब्ल्यूडी क्यों नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जल्दी बताओ. हाँ, होल टाइम डायरेक्टर है वो. एंड थर्ड, नॉमिनी डायरेक्टर, जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई बार अपना नॉमिनी डायरेक्टर बैठाता है, उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना गया है. पता है, ये जो है ना, ये एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है ये 3 नाम, एंड फिर 4th ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव आर एक्सक्लूडेड. तो लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ उसको एक्सक्लूड करते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को. नॉमिनी डायरेक्टर लोग भूल जाते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बैंक्स अपने प्रतिनिधि को बैठाते हैं कंपनी पर, क्योंकि हम आपको 100 करोड़ 50 करोड़ दे रखे हैं, आप लोग कहीं फंड्स का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रहे, उस डायरेक्टर को नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं. मेरा एक प्रतिनिधि वहां पर बैठ करके सारे फंड यूटिलाइजेशन पर नजर रखेगा कि आप फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं. डिड यू गेट 1, 2, 3? अब ये डेफिनेशन ए बी सी डी लिखना एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अगले दिन कराएंगे. समझ में आ रहा है? लिखो डेफिनेशन, लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन, नो केस स्टडीज इन इंटर. इंटर में कोई केस स्टडी नहीं आता. मेरे बुक्स में सम्स हैं, पर मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फाइनल्स में फिर से मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें न्यूमेरिकल्स पे सम्स भी करवाऊंगा, पर अभी मैंने पढ़ाया नहीं. अच्छा, इतने सारे पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई और बाबा एफ, यानी 2 पेज का तो डेफिनेशन है, एक बार आ गया भूल से एग्जाम में. हाँ, इसमें 6 का चक्र भी बोल के कुछ दिख रहा, बहुत से डायग्राम्स मैंने अपने बुक्स में क्रिएट किए थे, पुराने बुक्स में दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? पढ़ लिया ना अगर इंटर में, तो चक्रव्यूह में घुस जाओगे, निकल नहीं पाओगे जॉब में, न्यू हालत हुआ था. तो आई हैव चेंज्ड, मैं इसमें लास्ट में करवाऊंगा अगर टाइम बचेगा, मैं तो करवा दूंगा, पर तुम्हें याद नहीं रह सकेगा. तो सुनो, तुमको क्या करना है सेफ्टी के लिए, ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो, तुमको 2 काम करना है, प्लीज सुनना. हा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना. It is a direct. He is a director other than MD WD nominee director, satisfying all the conditions mentioned in section 149, subsection 6. सारे A B C D E F होने चाहिए. इसमें से 2 बता के छोड़ देता हूं अभी. बोलता है, आप कभी भी कंपनी के प्रमोटर ना रहे हो जीवन में, कभी भी. अगर आप कभी भी कंपनी के प्रमोटर रहे हो, तो आप जिंदगी में कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते. सर कैसे पता चला आपको, कभी भी बताओ, कोई इंग्लिश पढ़ो. Who is a promoter of the company, its holding, its subsidiary, its associate. Yani, suno. The company matlab own company, ha ya na? Subsidiary matlab S. Holding matlab H. OSHA. Aap kabhi bhi OSHA ke promoter na rahe ho. To exam mein ye aata hai kai baar. Simple sa. He was a promoter of the subsidiary company. He wants to be appointed as independent director. To aap simple bata hai, kya bataoge? An independent director is a person who is... और वॉज नेवर अ प्रमोटर ऑफ OSHA. तुम एग्जाम में OSHA लिख के मत आना, वरना रिजल्ट देख के बोलोगे ऊप्स, क्योंकि तुमको पूरा लिखना होगा. अब नेक्स्ट क्लॉज भी देखो डेफिनेशन का. हु इज नॉट रिलेटेड, मतलब ये कौन सा साल को देखने बोल रहा है, करंट ईयर.
मतलब इन करंट ईयर हिज रिलेटिव्स, समझ में आ रहा है, हु इज नॉट रिलेटेड, हिज रिलेटिव्स आर नॉट, मतलब तुम्हारे कोई रिलेटिव प्रमोटर इस साल या कंपनी के डायरेक्टर्स इस साल तो नहीं है, करंट ईयर में नहीं पढ़े रोमन टू में, हु इज नॉट रिलेटेड टू, ये डिबेंचर ट्रस्टीज में इस टाइप के क्लॉज आते थे, ओशा वाले क्लॉजेस, हु इज नॉट रिलेटेड टू, इज नॉट रिलेटेड मतलब क्या, आज के दिन तुम्हारे कोई रिश्तेदार प्रमोटर ना हो, सर हम तो नहीं था ना, तुम नहीं थे पर तुम्हारा एक रिश्तेदार अभी डायरेक्टर है कंपनी का, सर तो हम क्या करें, किस्मत करो तुम अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी के नहीं बन सकते, ओके मतलब अगर रणबीर कपूर डायरेक्टर है कंपनी का तो आलिया भट्ट, क्योंकि शादी हो गया था 2022 एक साल आपको पता होगा, तो 2022 में शादी होने के बाद अब आलिया भट्ट वहां की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती, सर अगर BFGF रहते बट दे वर वेरी क्लोज तो बन सकते थे, नहीं नहीं हर, वो कहां से कहां ले जा रहे, ओके रिलेटिव्स होना चाहिए ना समाज के सामने, जो रिलेटिव है कंपनीज एक्ट में रिलेटिव होना चाहिए, कहीं लिखा था रिलेटिव कंडीशन में प्रियतमा इज रिलेटिव, नो ना सर अमेंडमेंट लाइए ना, प्रतीक बोल रहे, नहीं प्रतीक तुम्हारी चाहत के लिए ये राहत तुम्हें नहीं मिल सकती, तो हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी, यानी करंट ईयर, सर आप करंट ईयर क्यों देखा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था दो दिन, इज लिखा हुआ है, तो ऊपर में आप लाइफ टाइम वाला चीज क्यों देख रहे, वॉज लिखा हुआ था, कभी भी आप प्रमोटर रहे हो, बोलो ये हो गया, तो आज हम दो ही क्लॉज करवाया है, हम ऐसे हर दिन एक एक उठाएगा, वरना एक साथ पहली बार चेंज किया स्ट्रेटेजी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं होगा, एक ऐसा पार्ट टाइम डायरेक्टर, हिंदी तो आता होगा, जो एक ऐसा पार्ट टाइम डायरेक्टर हु इज नेवर बीन अ प्रमोटर ऑफ ओशा, और इन द करंट ईयर नन ऑफ हिज रिलेटिव्स आर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन ओशा, इतना तो लिख पाओगे, चलो छह में डेढ़ दिला दिया, सर पांच दिलाइए ना, इसके लिए आपको अगले क्लास में भी आना होगा, टर्न द पेज, हाँ जबी भी टर्न द पेजेस, बहुत सारे पेज टर्न करिए और फिर यहां आइए, ऐसा कुछ है 149 सबसेक्शन 8 तुम्हारी बुक में मिलेगा पैराग्राफ फॉर्मेट में है, सब है, पैराग्राफ कहां था, चक्रव्यूह मिल गया, नहीं तुम तो रॉन्ग देख के खुश हो रही हो, तुम्हारे बुक में हम आइडिया देता आपको, तुमको चार पेज नहीं टर्न करने पड़े, अरे ये रहा तो यस यस हाँ हाँ टेन्योर, तुम्हारे बुक में टेन्योर बोल के लिखा है, मिला बच्चों, और उसके दो पैराग्राफ ऊपर भी कुछ है, बोलो हाँ ना प्रतीक, सुनो सिंपल सिंपल बातें सुनो, बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ना बहुत सारी ड्यूटीज होती है, क्योंकि उनको लाया गया अच्छे गवर्नेंस के लिए, कंपनी में मैनेजमेंट बेटर हो, बैकग्राउंड याद है ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स MCQ में आ जाता है कि कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल में उनकी ड्यूटीज दी गई है, तो शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 3 मत लिख के आना, आपका जो फेवरेट शेड्यूल है, शेड्यूल 4 में इनकी ड्यूटीज दी गई है, ठीक है सर, नेक्स्ट सर, मिला सबकी बुक्स में है ना 148 लिखा हुआ है क्या आपके यहाँ भी, हाँ ठीक है, वो पैराग्राफ्स मिल गए आपके, अगर लेआउट्स अलग भी हैं, अब नेक्स्ट, और एक सुनो, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे आप बताओ इनको क्या पैसा दें या फ्री में काम करने आए हैं, पैसा मिलेगा इनको, बट इनको है ना एक चीज नहीं मिलेगा, कंपनी का ईसॉप नहीं मिलेगा, मना किया गया है, याद है हाँ, पर ये तो प्रमोटर डायरेक्टर प्रमोटर्स नहीं है, प्रमोटर्स को नहीं मिलता था, डायरेक्टर्स को मिलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप मना किया देने के लिए, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को मिलता है, इंडिपेंडेंट को नहीं मिलता, हाँ देखिए दुर्गा माई खुद बोली ईसॉप नहीं मिलेगा इनको, रेम्यूनरेशन मिलेगा, ग्रीनिंग लगा देता हूं, मे रिसीव रेम्यूनरेशन एंड अदर थिंग्स, जो भी कमीशन भी मिलेगा प्रॉफिट का एक परसेंटेज, बट इनको क्या नहीं मिलने वाला है, ओके अब बहुत बहुत फेमस MCQ या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ सुनना, ये है क्या सबकी किताब में ऐसा कुछ, अरे बोलो, अरे ऐसा सब्जेक्ट टू, हम चाहते हैं एक बार रीड करो तुम लोग क्या समझा है, तुम्हारा बुद्धि भी तो चेक करना पड़ेगा मेरे को, चलो स्टार्ट रीडिंग एवरीवन,
एक आप पढ़ो और हम तुम लोग से पूछेगा फिर क्वेश्चंस, फिर तुम लोग मेरे को आंसर दोगे। क्या पता चला एमसीक्यू या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन लोग कितने साल के लिए बनते हैं, तो लिखा हुआ है पहले लिखे वन टर्म 5 ईयर्स का, ठीक है, बट बोलते हैं फिर उनको सेकेंड टर्म भी मिल सकता है, सेकेंड टर्म भी 5 ईयर्स का मिल सकता है, पर सेकेंड टर्म अगर इनको हम देना चाहते हैं तो एक एसआर पास करना पड़ेगा। एंड अब सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म देना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है, कूलिंग पीरियड बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स कांट बी, वेट वेट वेट, नॉट नेक्स्ट 5 ईयर नहीं, थ्री ईयर्स, मैं 5 इसलिए बोल दिया क्योंकि ऑडिट जब पढ़ाता हूं ना वहां पे कूलिंग पीरियड 3 ईयर्स होता, 5 ईयर्स होता, आदत पड़ गया, नेक्स्ट 3 ईयर्स दे कांट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। आप एक सोचिए, पहला टर्म मिला 5 साल का हिंदी, सेकंड टर्म भी मिला 5 साल का, फिर ये 5 साल के बाद 3 साल आपको घर में बैठना होगा, इस कंपनी में नहीं आना है, कहीं और काम करना करिए, दे कांट बी एसोसिएटेड, और 3 साल बाद फिर आ जाइए वन टर्म, यानी दो दो टर्म अलाउड है कंसेक्यूटिवली बैक टू बैक, और फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 3 साल के लिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी कैपेसिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। सर हम डायरेक्टर नहीं, अब इसका क्लर्क बन गए, हम झाड़ू देते हैं आके सुबह, एग्जाम्पल फालतू सा, ये भी अलाउड नहीं है कोई भी कैपेसिटी में। तो एग्जाम में एमसीक्यू क्या आता है पता है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर सर्विंग 2 consecutive terms of 5 years, द कूलिंग पीरियड इज 5 years, 3 year, 1 year, none of the above, सब 5 years, 3 years है आंसर ना, हम क्या बोला कूलिंग पीरियड मतलब कि कितने साल तक इस कंपनी में आप कोई ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। सब 5 ईयर्स क्यों लिख के आता है, क्योंकि एक चैप्टर है बहुत पॉपुलर चैप्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, वहां पे सीए फर्म जब 2 consecutive terms लेते हैं तो 5 ईयर का कूलिंग पीरियड होता है, वो आप ऑडिट में सीखेंगे अगले महीने से 5 तारीख से शुरू कर रहे, तो 1 term of 5 years, 2nd term of 5 years एंड देन देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, रिमेंबर, तो दे कांट बी एसोसिएटेड, याद रखिएगा इस चीज को। ओके ला तो हो गया तुम लोग का तो कर लेगी, नहीं इंडिपेंडेंट है कोई लिंक नहीं, वंस शी नोज बेसिक इफ शी इज अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब सुने खुशखबरी दें क्या, अगर आप सीएमए इंटर में हो अभी पैराग्राफ्स काट देना, चार्ट पढ़ लेना, काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, आपके दांत टूटेंगे, ऑलरेडी रूट केनाल की दरकार है, एग्जाम के बाद डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, और झूठ मूठ बोल भी रही है बच्ची, हाँ दिन भर खाएगी कैडबरी का पैकेट तो, सॉरी कैडबरी, ओके क्या चीज, हाँ एसोसिएटेड इज एन इंग्लिश वर्ड, आपको 3 साल तक इस कंपनी से संपर्क और संबंध नहीं रखने हैं, नहीं रखना है इस कंपनी में कोई भी पोस्ट, तू बोलेगा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे, 3 साल के नॉर्मल डायरेक्टर बन जाते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, कोई भी पोस्ट इस कंपनी में नहीं रखना है, घर में कराओ, किसी और कंपनी में जाओ, जो करना है करो। इज इट ओके, प्लीज देखो टेन्योर वाला चीज, सबको देखो टेन्योर वाला चीज, क्लियर हो गया, लिखो 3 marks टेन्योर एंड कूलिंग पीरियड पर, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 marks का आएगा, 3 to 4 marks, वेरी गुड, राइट, सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म अगर ले रही हो। अब एक आदमी क्या करता है, 1 साल पहले 5 साल बना, फिर 4 साल छुट्टी पे चला गया, फिर बन रहा है 1 साल 5 साल के लिए, फिर वो वापस सेकेंड टर्म भी ले सकता है, क्योंकि उसको हर गैप के बाद, मतलब 10-10 साल के बाद, 10 साल अगर आप लगातार होल्ड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, 3 साल का कूलिंग पीरियड मतलब क्या है सर, ठंडा रहना ना घर में एसी में बैठ के, नो 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 नो,
इन दैट कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन नॉट बी एसोसिएटेड. ओके. और पता है हम लोग एक कंपनी लॉ में एक वर्ड पढ़ते हैं, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. एजीएम में डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं, पर यहां एक लाइन बहुत सुंदर दिया हुआ है, द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे आज शायद विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी दे आर नॉट रोटेशनल. देखो तुम्हारे में पैराग्राफ के एंड में दिया हुआ है, वहां लिख देना दे आर नॉट रोटेशनल डायरेक्टर्स. इन लोग वो फिक्स टर्म तक रहते हैं, इन लोग रिटायरिंग टाइप के डायरेक्टर्स नहीं माने जाते. हम बीच का क्यों नहीं पढ़ाया बताओ, वो सीएमए फाइनल्स के लिए मैंने रखा है. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिटायरिंग. लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर पेज और योर बुक, दे आर नॉट रोटेशनल डायरेक्टर्स. तो अभी तक आप विश्वास नहीं करोगे, कौन सा, हर एजीएम में 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स रिटायरिंग टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज, और 1/3 उस रिटायरिंग टाइप से रिटायर करते हैं. बारी बारी डायरेक्टर, अभी तुम फिगर्स में मत जाओ, कुछ डायरेक्टर्स को हटना होता है एजीएम में बारी बारी, ताकि सबको मौका मिले, नए डायरेक्टर्स भी इंडक्ट हो सके और एक आदमी कंटिन्यूअस नहीं रहे. पर इन लोग को नहीं हटना है, बिकॉज इनको तो हम एडवाइजरी रोल के लिए लाए हैं, फिक्स टर्म के लिए. इन लोग हटेंगे कब, जब इनका टाइम एक्चुअल में खत्म होगा, वन टर्म ऑफ 5 consecutive years या सेकेंड टर्म ऑफ 5 consecutive years. एक लड़का पूछेगा, हम एक ही बार में 10 साल का अपॉइंट कर दें क्या, अलाउड नहीं है. वन टर्म, जैसे प्रेसिडेंट को तुम एक साल में 10 साल के लिए अपॉइंट कर देती हो, सर नरेंद्र मोदी जी को 2014 में ही करना चाहिए था 10-15 साल 20 साल के लिए. ऐसे नहीं होता है, 5-5 साल में इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद तय होता है. ओके. वेट, अब यहां से बस एक चीज और पढ़ना है. अच्छा, आज तुम लोग को याद है हम लोग पढ़ा था फाइलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, विद इन 3 months ऑफ वैकेंसी पूरा बोलोगे, और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग लेटर. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक लाइन लिखो वहीं पर, तुम्हारी बुक में नहीं है, एक लाइन लिखो, वैकेंसी विल बी फिल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, बस वहां पे विच एवर्स लेटर नहीं है, नहीं तो कुछ और लिखा हुआ है, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ आईडी लिखो तुम, हम डिक्टेट कर रहा है, तुम लिखो ना वहीं, तुम वहीं लिखो ना वैकेंसी, तुम वहीं लिखो, तुम्हारी बुक में अलग जगह लिखा हुआ है, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ आईडी विल बी फिल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. नहीं, अलग है ना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो नहीं बोला इस बार मैंने, वैकेंसी इन, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी फिल्ड विद इन, तुम बताओ 3 months कहां से होते हैं, वैकेंसी से, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. हाँ, वो सीएसईटी के, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. अच्छा, किसी के बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए बहुत सारे ना, कुछ भी मत करना, छप गया, अगले बार जो नया बुक अब जाएगा उसको छोटा करके भेजूंगा. डोंट डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि वो इस चैप्टर से नहीं आता है, पहले वो कॉमन बुक थी वहां यूज हुआ था. कैन यू कम टू दिस जोन ऑफ योर बुक प्लीज, सीधा इस जोन में आइए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डेफिनेशन पेंडिंग है, मैं अगले दिन एक क्लॉज और करवाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पॉइजन का डोज दे रहा हूं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेफिनेशन नॉट येट ओवर. तो अगर मैं 1 minute, इधर देखो सब बुक छोड़ दो, हम लोग आज पढ़े, तुम लोग आंसर दोगे जल्दी जल्दी. मिनिमम डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15. ए क्या फंसी है, ये सोचे उसके बाद वही पूछेंगे, 15 के ऊपर जा सकते हैं क्या स्पेशल रेजोल्यूशन करके. हर लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, पर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर क्रॉस होना चाहिए, है ना कीर्ति, लिस्टेड में तो होना ही होगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जब फिगर्स क्रॉस हो. हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, लिस्टेड में जरूरी है, याद रखना. नहीं, हां सर नहीं, हर कंपनी में हर इंसान हिंदुस्तानी है जो यहां भारत में रह रहा है,
लिस्टेड के पीछे मत पड़ो। नहीं नहीं अभी कंपनी लॉ में भी एक्सपर्ट बनेगी, तुम लोग क्या सोच रखे हो, अगली बार डसेगी तुम लोग। देख सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/4 होना चाहिए, 1/2, 1/3, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर हो, जिसका टर्नओवर 100 crores और मोर हो, या लोन डिपॉजिट डिबेंचर्स 50 crores से ज्यादा हो, वहां पर दो डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो सैटिस्फाई करें बहुत सारे पॉइंट्स को, जिसमें से एक पॉइंट है वो कभी भी जीवन में प्रमोटर ना रहे हो ओशा के, या इस साल उनका कोई रिलेटिव्स प्रमोटर या डायरेक्टर ओशा का ना रहो, और क्लॉजेस अगली क्लास में बताएंगे। और टेन्योर अभी अभी पढ़े तो रिवाइज नहीं करा रहा हूं, 1 term 5, 2nd term 5 SR करके, और फिर 3 years का कूलिंग पीरियड। वेरी गुड, लंबा सांस लो, सभी इस पोर्शन में आओ, बीच का पोर्शन नहीं करना है सीएमए इंटर में, मेरा मैट छप गया, पैसा लग गया, अलग बात है। या अब चैप्टर इस पोर्शन में आइए, बुक में जहां भी दिया हुआ है, 3rd chapter या 40th chapter, आई डोंट नो, या नोट्स में जहां भी ये दिया हुआ हो। डिड यू गेट इट एवरीवन? कम बीच का नहीं पढ़ना है, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं, नहीं पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, जो भी पेज नंबर्स हो अलग हो, मैं वेट कर रहा हूं। कम ये है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, सुना होगा लाइफ में आपने कभी, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कौन होते हैं? पहले तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब समझना होगा। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स होल्डिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम 20,000 rupees, 20,000 rupees मैक्सिमम होल्ड करते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स। दे आर शेयर होल्डर्स होल्डिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम 20,000 rupees, 20,000 rupees मैक्सिमम इन लोग होल्ड करते हैं, दे आर नोन एज स्मॉल शेयर होल्डर्स। इज इट ओके? शेयर होल्डर्स होल्डिंग, एग्जाम्पल सुनो, अगर आप 18,000 rupees का शेयर होल्ड करते हैं, फेस वैल्यू बोल रहा हूं जिसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, आप क्या स्मॉल शेयर होल्डर है? हाँ, मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, इसलिए मैंने जानबूझ के कॉन्सेप्ट भी दिया, 19,999 rupees का शेयर आपके पास फेस वैल्यू का, तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, नॉमिनल वैल्यू 18,000 है, मार्केट वैल्यू 21,000 है, आप लिख दोगे नहीं हम तो अब स्मॉल नहीं रहे, हमें मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू अगर आपकी 15,000 rupees की शेयर होल्डिंग है, आप कौन है भाई? स्मॉल शेयर होल्डर। तो स्मॉल शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स होल्डिंग फेस वैल्यू 20,000 rupees, ये बहुत बहुत मैक्सिमम, याद रहेगा ये चीज। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, प्लीज सुनो, ये जो छोटे शेयर होल्डर है उन लोग को लग रहा था हमारा भी कोई प्रतिनिधि वहां होना चाहिए, वरना ये बड़े वाले लोग हम लोग को तो कुरेद देंगे, रौन डालेंगे। तो लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो खुद अपॉइंट कर लेगा बिना कोई एप्लीकेशन के, एक स्मॉल शेयर होल्डर लोग के लिए डायरेक्टर, और बाकी कंपनीज को इतने इतने लोग रिक्वेस्ट करेंगे तब उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है। कहां लिखा हुआ है? रीड टू लाइंस एमसीक्यू, इस पे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स पे देखे, यहां तक पढ़ना है। लिस्टेड कंपनीज सीओ मोटू मतलब ऑन इट्स ओन, स्मॉल शेयर होल्डर्स लोग इलेक्ट कर रहे हैं। मोटा किसको बोला? सीओ मोटो मतलब स्वतः अपनी इच्छा से बिना किसी के एप्लीकेशन के। तो स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में क्या लिखा है? अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, और कितने लोग अप्लाई करेंगे ये फिगर्स एमसीक्यूज में आते हैं, या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करें या 1/10, विच एवर इज लोअर। अब इसमें एक लाइन और पढ़ना है, इसमें कुछ भी और नहीं पढ़ना है, गुड न्यूज सुनो, ये वाले डायरेक्टर्स, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना था बच्चा लोग? 5+5, इनका 2 terms अलाउड नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का टेन्योर भी अलग है, तो इनके टेन्योर पर क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकता है। यहां पर देखोगे 1 term ऑफ 3 consecutive years, 3 years का 1 term है। ओ देन
कूलिंग पीरियड, ओ यानी कि यार सेकेंड टर्म है ही नहीं, सेकेंड टर्म है नहीं, कूलिंग पीरियड पहले ऑब्जर्व करो, लैंग्वेज मिला, बता रहा हूं, वन टर्म ऑफ 3 इयर्स। एमसीक्यू में लोग फंस जाते हैं, यहां पर 5 इयर्स टिक करके आ जाते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड इज वन टर्म ऑफ 3 इयर्स एंड देन देयर इज अ कूलिंग पीरियड। लैंग्वेज मिला, मैं लिखवाया हूं अभी, वहां नहीं लिखा हुआ, मैं लिखाया हूं, वहां ये लिखा हुआ है देखो, ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तब एक ही बात तो है, देयर इज अ कूलिंग पीरियड। टफ लगा, वन टर्म ऑफ 5 इयर्स, आर आर लाइन दिखाते हैं, उसको इंटरप्रेट करोगे तुम लोग। मिला? अब आपको क्या करना है, इस पेज में आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज, ये देखो, नो पर्सन शैल होल्ड इन मोर देन टू कंपनीज। देखो ये लाइन मिला तुम लोग को, कूलिंग पीरियड वो सेम है, 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड वहां पे भी सेम है। एक काम करो, एक काम करो, वेट वेट वेट, जहां पे तुम लोग कूलिंग पीरियड लिखा है मिला क्या, वहां एक अलग इंक लगा के वहां लिख देना 3 इयर्स है, मतलब 3 साल तक सेम कंपनी में कोई भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकते। यानी तुमको पैराग्राफ्स नहीं पढ़ना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और यहाँ पे तुमको अगर मेरा स्टाइल पता है तो क्या करना चाहिए, अभी का भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का चार्ट भी ड्रॉ करो, वन टर्म सेकेंड टर्म, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाले में जाके क्या चार्ट ड्रॉ करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, वापस समझाते हैं, इधर देखो, तुम लोग मेरा स्टाइल नहीं समझ पाया, बस शॉक्ड। ये देखो, आईडी वन टर्म 5, सेकेंड टर्म 5, कूल, नहीं यहां भी ड्रॉ करो ताकि कंपेयर कर सको, कूलिंग 3 इयर्स, और वहां पे भी जाके एसएसडी को ड्रॉ करो, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को, क्रॉस रेफरेंसिंग। चलो डू इट, ये सब बहुत काम आता है, स्पेशली इन लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ रिवीजन, क्योंकि सिर्फ लॉ नहीं है, टैक्स में जो हालत होगा ना तुम लोग का, तब बात करना। स्टार्ट डूइंग इट। अब तुम लोग जब एमसीक्यू रिवाइज करेगा इजी लगेगा ना, आईडी एंड एसएसडी में बस मुझे यही पढ़ना है, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। स्टार्ट डूइंग इट। किसको 3 इयर्स का मिला? बस, और हाथ 3 साल के बाद हाथों हाथ कूलिंग पीरियड है, सेकेंड टर्म है ही नहीं, वही तो लिखे हैं, एक ही टर्म है, यही तो डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में 2 टर्म लगातार 5 5 साल के थे, फिर कूलिंग पीरियड 3 इयर्स का था, एसएसडी में एक ही टर्म 3 साल का है और फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड। आप बोलो, हाँ जरूर कर सकता है, कौन रोकेगा उसको, तुम लड़ने जाओगे, 3 साल के बाद कूलिंग पीरियड फिर मिलेगा। कूलिंग पीरियड का मतलब ही ये होता है कि वापस आओगे आप, पर 3 साल तक नहीं आ सकते, वरना लिख देता नेवर एलिजिबल। लिख के देखिए, वापस आएंगे आप 3 साल बाद, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वन टर्म ऑफ 3 इयर्स, देन देयर इज अ कूलिंग पीरियड, मतलब क्या है, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड। कूलिंग का मतलब ही होता है, जैसे बाईबैक में हम लोग पढ़ते थे कि एक बार अगर आपने बाईबैक कर लिया है तो 6 महीना तक,
आप सेम इक्विटेशन नहीं ला सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कभी भी नहीं ला सकते, वापस लाएंगे 6 महीने बाद, वैसे ही सेम। कूलिंग पीरियड ऑलवेज मींस अ टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन। ओके, लंबा सांस, ये देखो आप, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजिशन ऑफ SSD मोर देन 2 कंपनीज एट सेम टाइम। पता है एक बात इंटरेस्टिंग, एक इंसान कितने कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है एट अ टाइम? 20। 20 में से 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती है। सुनो सुनो, एक दिन आने वाला है, एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? 20 एट द सेम टाइम। और 20 में से 10 कौन सी होने वाली है? मैक्सिमम 10 पब्लिक। तो मत सर, हम एक काम करें, हम 10 पब्लिक ले लें, 10 प्राइवेट अलाउड है। तुम एक बात बताओ सर, हम 5 पब्लिक और 15 प्राइवेट ले लें, अलाउड है? क्योंकि मेरा 20 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, एंड एट द सेम टाइम मेरा पब्लिक 10 के ऊपर नहीं जा रहा है। hey, हम 15 पब्लिक और 5 प्राइवेट ले लें। हाँ सर, 20 तो हुआ, प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरे को एक चीज और ध्यान रखना है। अरे ये तो वही बात हो गया, सारा सब्जेक्ट मिला के 200 लाओ 400 में, और इंडिविजुअल में भी 50-50 लाना, वहां मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम के कॉन्टेक्स्ट में। यानी मुझे दोनों पैरामीटर सेटिस्फाई करना है, एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? 20, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज। पर आज हम ये नहीं पढ़ा रहे थे, आज आप क्या पढ़ा रहे थे कि SSD इन मैक्सिमम कितने कंपनीज, MCQ जब आएगा ना, 2 कंपनीज लिखना। SSD में 20 मत लिख के आ जाना MCQ में, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20 गूगल करता है। कई लोग बोर्ड देखो, एक बार स्टॉप राइटिंग बोर्ड देखो, SSD आप मैक्सिमम, यानी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर आप मैक्सिमम 2 कंपनीज में हो सकते हैं, और सेकेंड कंपनी आपकी राइवल कंपनी नहीं होनी चाहिए। नेवर आस्ट एन एग्जाम, नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा दिया आपको। जस्ट एक लाइन हुआ तुम्हारे जाने के बाद, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर आप मैक्सिमम 2 कंपनीज में हो सकते हैं। सुनो, गलत पढ़ के गई हो आप, डायरेक्टर, आप डायरेक्टर नहीं, 20 कंपनियों में हो सकती हैं, पर SSD 2 ही कंपनीज में हो सकती है। नहीं है ये, हाँ हाँ पूरा सुनो, मैक्सिमम आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं, बट अगर तुम कहीं SSD बना है तो मैक्सिमम 2 ही कंपनी में SSD हो सकता है तुम, और सेकंड कंपनी कंपनी की राइवल कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेम बिजनेस में नहीं इंगेज्ड होनी चाहिए। ये भी लिखा हुआ है तो लिखा हुआ बुक में, यहां भी एक लाइन भी लिख दो ताकि MCQ रॉन्ग नहीं हो। और मेरे मार्किंग्स के अलावा डायरेक्टर्स चैप्टर से कुछ मत पढ़ना, सारा फाइनल्स में है, एक लाइन लिखना। पता, वो पता नहीं है, मतलब करवा दिया, नॉट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। हाँ वही तो बोल रहा है। A person can be director in max 20 companies at same time. SSD maximum 2 companies. Please do it.
done it everyone? We were having some queries, we were listening. अच्छा आपको लग रहा होगा एसएसडी मतलब कौन अपॉइंट कर रहे हैं इन लोग को, स्मॉल शेयर होल्डर्स लोग मिलकर। पर एक मजेदार बात क्या है पता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। सर वापस बोलिएगा तो, आपको लगा होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स लोग अपने में से एक को गोदी उठाकर गणपति बप्पा मोरिया, ये जरूरी नहीं है। सर कैसे पता चला, इधर आओ एक लाइन लिखो, तुम बस लिख लो, एसएसडी मे नॉट बी अ स्मॉल शेयर होल्डर। आपको लग रहा होगा जो खुद डायरेक्टर बन रहा है उनके बिहाफ में उसको भी एसएस होना पड़े, वो जरूरी नहीं है। तो एमसीक्यू में आ जाएगा और तुमको लगेगा हाँ उनका आदमी है तो उनका आदमी तो उनके जैसा ही होगा, उसी प्रजाति का होगा ना, अलग प्रजाति का ही है। मतलब ये हो सकता है एसएस भी हो, स्मॉल शेयर होल्डर हो भी, और हो सकता नहीं भी हो। सो एसएसडी मे बी अ स्मॉल शेयर होल्डर, मे नॉट बी अ स्मॉल शेयर होल्डर। सो दिस वॉज इंटरेस्टिंग, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर हो भी सकता है, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता है। इज इट ओके, टेल मी, श्योर? ठीक है, एक बात बताओ, वैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करते हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करते हैं नॉर्मली? शेयर होल्डर्स, बोर्ड भी करता है। तो एक चार्ट आपको मैं बताना चाहेगा इस चैप्टर की शुरुआत में, प्लीज लिखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा वाला? हाँ हाँ लिखवा देते हो लास्ट में। चैप्टर की शुरुआत में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उठा कैसे हो गया, एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स, इनकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, और एक बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, और एक बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओ और एक कई बार नॉमिनीज। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बहुत सारे नाम है, एडिशनल डायरेक्टर्स नाम लिखो, पहले डायरेक्टर्स इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रथम डायरेक्टर्स, वो इन वो है ना आर्टिकल्स में लिखा रहता है उनका नाम, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, कैजुअल वैकेंसी, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी बोर्ड अपॉइंट करता है। चारों ड्रॉ करो, बहुत बेसिक से अगले दिन डिस्कस होगा ये। सो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये नाम देखिए सारे, चलिए लिखिए, there were some queries, first directors by shareholders in general meeting, casual vacancy, समय से पहले कोई director अगर मर जाए, कुत्ता काट जाए, पागल हो जाए, जगह खाली करना पड़े, resign कर दे, होता है
पहले जमाने में सुना हुआ। आई एम वेरी फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स। स्पेशली जो बैग जब तुम ले जाओ ना, पीछे टांग के मत ले जाओ, डॉग्स लोग सोचते हैं कि तुम चोर है, हमेशा हाथ में आगे ले लो। फिर मैंने इंटरनेट में देखा हाउ टू हैंडल द डॉग्स अटैक, मतलब उसको बहुत नजर से नजर। ओके अरे लिखो, जो लोग ऑनलाइन है सोचेंगे हम लोग डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं या डॉग्स पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डॉग्स। चलिए स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा बहुत बात करना अलाउड है, इसके लिए गार्जियन कॉल मत करवाइएगा। हाँ बैंक्स वाला या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना नॉमिनीज अपॉइंट करता है कई बार। नॉमिनी डायरेक्टर्स कई बार बोर्ड भी अपॉइंट करता है, इसलिए वहां से भी एरो लेके आया हूँ। हाँ बस ठीक है, चार पांच मिनट और। हाँ बाकी अगले दिन पढ़ाएंगे, इसको रेडी कर दूं पहले, वो चार्ट कॉपी करवा दूं पहले। अच्छा अगले दिन ये डिस्कस होगा, पहले से बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस होगा, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग, जब समय से पहले कोई वैकेंसी हो गया, कैजुअल्टी हो गया, तो उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा। दैट इज जखन कुकुर तुम्हाके कामुड़ दिवे तुम्हें निजे भोजे जाबे की होच्छे। मारवाड़ी में, ये तो बंगाली बोला था मैंने। और बाबा ये तो राजस्थान से आई है पूरी एकदम। नहीं ये तुम लोग का जो मारवाड़ी वो अग्रवाल मारवाड़ी, हम लोग जैनी मारवाड़ी अलग होता है थोड़ा सा, मतलब मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ये कॉपी कर लेना जा। चलिए दिस इज द लास्ट एंड देन वी वाइंड अप द क्लास एंड वी विल मीट अगेन। कॉपी दिस। स्टार्ट कॉपिंग प्लीज। जल्दी कॉपी करिए। डायरेक्टर टफ नहीं है, सिर्फ याद करने का है। इट्स इजियर देन दोस चैप्टर्स जिसमें चार्जेस वार्जेस चैप्टर में बल्कि बहुत ट्विस्ट होते हैं। करिए प्लीज। Whole-time directors are in whole-time employment and non-executive directors are part-time directors having advisory and supervisory role. There can be two types, independent directors and non-independent directors. तो कोई बोल भी दे तो directors chapter छोड़ना नहीं है, बल्कि 10 marks का है। बड़ा बड़ा company लोग के chapters पढ़ के 10 नहीं मिलते, तो एकदम solid तैयारी करके जाओगे आप। और ये छोटा सा करने से 10 मिल रहा है, तुम पूरा एकदम चार्ट जाओगे चैप्टर को। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, होल टाइम डायरेक्टर, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉपी करो।
ओके डन एवरीवन ले आउट प्लीज ओके फैज भाई एकम एंड अदर्स एंड मेनी अदर्स ऑल ऑफ यू बी इन टच हम लोग आगे डायरेक्टर्स को फिर से करेंगे थैंक यू बाय गो लाइव हो गया चलिए बॉयज एंड गर्ल्स डायरेक्टर्स चैप्टर वेरी स्कोरिंग चैप्टर और बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग कर रहे हैं बिकॉज डायरेक्टर्स फिर से सीएमए फाइनल में है आपके इन डिटेल्स तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ये चार्ट हम लोग कल पढ़ रहे थे चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या एसएसडी भी लिख देना वो भी एक टाइप का डायरेक्टर होता है ना स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जिनको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एंड जरूरी नहीं है कि वो एसएसडी खुद एक स्मॉल शेयर होल्डर हो कल एक इंटरेस्टिंग बात पता चली थी कल हम लोग को टेन्योर देखने को मिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टेन्योर पहले वन टर्म ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इयर्स देन सेकंड टर्म भी हो सकता है फाइव कंसेक्यूटिव इयर्स देन देयर शुड बी अ कूलिंग पीरियड मतलब उस कंपनी में वो कोई भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हो सकते तीन साल तक पर एसएसडी का जीवन तो बहुत ही छोटा है वन टर्म ऑफ थ्री इयर्स एंड देन आफ्टर वन टर्म सेकेंड टर्म नहीं मिलेगा पहले तीन साल की कूलिंग पीरियड है उसके बाद में फिर आ जाइए फिर कूलिंग पीरियड ओके तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स कर रहे हैं यहां पर पढ़ाई सिलेक्टिव नहीं हो रही है एज पर सीएमए इंटर स्टडी मॉड्यूल जो पोर्शंस वहां दिए हुए हम लोग वही कर रहे हैं सर आपने फिर इतना बड़ा मैट क्यों दिया अब छप गया भाई पैसा भी लग गया खर्चा भी लग गया तो उसको अब यूज कर रहा है आई एम नॉट थ्रोइंग माई बुक आपके लेआउट्स अलग हो सकते हैं अंदर से पैराग्राफ सेम मिलेगा सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 ये होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होते हैं जल्दी आ जाइए फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होते हैं तो यूजुअली हिंदी में बैकग्राउंड सुनो कल पढ़ रहे थे ना एसएसडी उसी के बाद वाला सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 मैं वेट करूंगा 10 सेकंड सेक्शन 152 हिंदी में बैकग्राउंड ध्यान से सुनिए सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक शब्द सुना आप लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यूजुअली फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम लिखे रहते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होगा ये कहां लिखा रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हो वहां लिखा हुआ था पिछली बार प्रतीक ऋतिक मितिक इन लोग रहेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स पर अगर नहीं लिखा हो प्रतीक ऋतिक मितिक का नाम सर तब टेबल एफ में लिखा था कि और एक होनहार लड़का शिवम लखानी वो रहेगा क्या है क्या था लखमानी ओ अच्छा शिवम कमानी ओके नहीं नहीं इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट देन टेबल एफ अप्लाइज इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट टेबल एफ अप्लाइज याद रखिएगा ओके यानी कि आर्टिकल्स में फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम रहेंगे ये लाइन कहां है कोई खोज के बता सकता है लिखना एक तुम्हारी बुक में है क्या ये लाइन लिखा हुआ ओ तब क्या है Usually written in articles. First directors कौन रहेंगे Usually articles में लिखा रहता है Simple line अगर बोलो If articles are silent, then table F applies. Table F में क्या लिखा है आखिर बता लिखा हुआ है कि table F में प्रोसीडर दिया हुआ है कि articles में तो नाम था नहीं तो इनके नाम अब डिटर्मिन होंगे जो majority of the shareholders होते हैं वो मिलकर डिटर्मिन करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स मिलकर डिटर्मिन करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करेंगे इज यू आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तीनों चीजें मिल गई फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम आर्टिकल्स में लिखे होंगे इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट टेबल एफ अप्लाइज एंड टेबल एफ में प्रोसीडर दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स लोग मिलकर डिसाइड करेंगे एंड पता है ये डायरेक्टर्स इंडिविजुअल्स होंगे सब्सक्राइबर्स तो आप बोलोगे कि कंपनी भी एक कंपनी में सब्सक्राइब करती है बट दे कांट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स और कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है और आप टेबल एफ भी आपने अपने कंपनी से एक्सक्लूड कर दिया है कि हमारे यहां टेबल एफ अप्लाई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उस केस में ऑल इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स आर फर्स्ट डायरेक्टर्स यानी शुरू में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही यहां पर फर्स्ट डायरेक्टर्स माने जाएंगे ओ मजेदार चीज है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन रहेंगे फिर जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी उस समय जो आपने सुना है बचपन में कीर्ति मत लिखो आज अगर प्रॉब्लम है तो
कि अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स नॉर्मली कहां लिखा रहता है, एक आंसर बता दो. फर्स्ट डायरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल्स, कोई प्रॉब्लम हुआ? इफ फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स देन टेबल एफ रूल अप्लाइज. व्हाट इज टेबल एफ? वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स नेम कैन बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स. सर इफ माई कंपनी हैज एक्सक्लूडेड टेबल एफ देन व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट टू डू देन? Then nothing doing. Automatically the individual subscribers at the time of formation, they will be deemed to be the first directors. जब तक पहले AGM में shareholders directors को appoint ना कर दे, इन लोग enjoy कर लेंगे. पक्का everyone? तो इसमें tension में आने का दरकार नहीं है, पर exam में आया हुआ है. First directors are usually named in dash MCQ, बताओ. Option देगा memorandum, articles, articles. And if first directors are not named in articles, table dash applies. F G A C, तो याद रखना F को टिक करना है. ऐसे करके पढ़िएगा. ओके हटा दूं, आप ये वाला काट दीजिएगा आपको अगर डर लगता हो. ओपीसी में फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा? जो उसका इकलौता शेयर होल्डर है. नेक्स्ट, यूजुअली एवरी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग. यूजुअली वैसे कल हमने चार्ज देखे थे, डायरेक्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड इन द बोर्ड मीटिंग, बट यूजुअली डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. और एक इंटरेस्टिंग चीज, डायरेक्टर अगर बनना है तो आपके पास वो होना चाहिए, क्या? बिन नंबर. आप बोलेगा सर दिल तो है हमारे पास. अरे तुम्हारा दिल नहीं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. एंड डायरेक्टर जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं उसको एक पता है, एक सर्टिफिकेट देनी पड़ती है. सुनो ना क्या, कि मेरे को है ना एक सेक्शन है, बहुत फेमस नंबर है. मैंने कल से आपको कोई नंबर याद करने नहीं बोला है. याद रखना दैट ही हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन that he is not disqualified to become a director. Look at the language. He is not disqualified to become a director. ये बहुत famous section है, 164 बोलते हैं इसको, क्योंकि 164 में list दिया हुआ है कौन कौन director नहीं बन सकते. जैसे है ना, डीके जी को कुत्ता काट गया, ये इसको, इनको कोई पूछा गुड मॉर्निंग डीके जी, डीके जी बोलते तो ये अनसाउंड माइंड के हो गए, तो ये डायरेक्टर बन पाएंगे? ही कैन नॉट. And पता 164 में सब जगह ही लिखा हुआ है. तो सलोनी पता है क्या बोलती है, पगला गई, एक दिन पगली हो गई हमारी बहना. बोलते क्या होती है, सर वो तो पगला है, वो नहीं बन सकता है. सर हम तो पगली हैं, हम बन सकते हैं क्या? हम बोलिए सलोनी गेट वेल सून. ही लिखा हुआ है पर लॉ में ही का मतलब शी होता है. प्रतीक तुम ही है, पर ये प्रोविजन नहीं, ये प्रोविजन जो है ये शी को भी अप्लाई करेगा. मतलब क्या है? हाँ हाँ, वाह वाह, हम शी है ही शिवम, वाह क्या बुद्धि लगा है. अच्छा पीजे मार, गुड गुड. तो व्हाट आई सेइंग कि ही लिखा रहता है, आपको लगा होगा जेंडर वाइज अप्लाई कर रहा है, बट इसमें फेमिनाइन भी कवर्ड है लॉ में. तो बैकग्राउंड बताओ, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं आपको एक कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप डिस्क्वालिफाइड आदमी तो नहीं है. अनसाउंड माइंड एक वन ऑफ द पॉइंट्स है जो आपको कैची लगता है क्योंकि आप हैं. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी 164 में पढ़ेंगे आज. वन ऑफ द पॉइंट्स है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर फंस तो नहीं रहे और आपने डिन नंबर दे दिया है क्या. अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या लिखा है, देखो, जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो अपने कंसेंट देगा, मैं रेडी हूं डायरेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए. DIR 2 में वो कंपनी को कंसेंट देगा और कंपनी ROC को DIR 12 जमा देगा कि यह आदमी रेडी है. कुछ करेक्शन कर लेना, DIR 12 होना चाहिए. फुल पेज करो. हाँ हाँ, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. और रिटन कंसेंट टू द कंपनी का MCQ आता है कि रिटन कंसेंट कौन से फॉर्म में जाता है, दैट इज DIR 2. सब इसमें भी 12 लिख के आते हैं. तो दो अलग फॉर्म्स है. देखो 12 इज कंपनी इनफॉर्मिंग ROC. सो तो व्हाट इज देन DIR 2? डायरेक्टर गिविंग टू कंपनी. तो DIR 12 के संग है ना DIR 2 अटैचमेंट के रूप में जाता है, याद रखना बस. यस, अटैचमेंट के रूप में जाता है DIR 2 कंपनी को, ROC को नहीं. देखो बनाया, हम बनाया, देखो ये कंपनी ROC को देता है, पता है कब? विद इन 30 डेज, नहीं और भी चीज है, ऑफ एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन सब. तो अपॉइंटमेंट भी आ ही जाएगा. CS भी जब अपॉइंट होता है कंपनी में तो भी DIR 12 दिया जाता है. तो इट्स अ वेरी फेमस MCQ. कौन सा फॉर्म जाता है जब एक डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव होता है? द आंसर इज DIR 12.
और डीआईआर टू क्या है बताओ? कंसेंट। ये कंसेंट, ये कंसेंट फॉर्म आएगा तो 12 टिक करके मत आना, तब 2 आएगा। और ये क्या है? इंफॉर्मेशन का फॉर्म कि ऐसा ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, कंपनी आरओसी को दे रहा है, लिखा हुआ है, तो एकदम क्लियर एरो है कौन किसको जमा दे रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है। नेहा लिख रही हो, प्लीज शाम को कर लेना आफ्टर यू कम फ्रॉम द पार्टी। सो कंपनी से आरओसी विद इन 30 डेज। फैज भाई लिखिए प्लीज, अपने उस फ्रेंड को भी करवाइए ना, क्या नाम था आप जो बोलते थे, आप जिसको लेके आते थे कई अल्फाजों का प्रयोग करके, निकम, एकम, एकम, आई डोंट नो इस चैप्टर तक वो पहुंच पाएंगे क्या, अभी तो पीछे। Layout, yeah, there were some queries, very good, good queries. Now look here everyone, now ye sab aapko nahi padha raha hu sir, aapke book mein itna extra mere mein kyon nahi hai, ye sab finals mein padhenge bachcho, par ek interesting cheez thoda sa batao knowledge ke liye, kal ko office mein jaoge impression jamana, copy mat karna pehle, ye mere extra book mein likhi hui hai final wale books mein, ye pehle dikha aapko DI-12 ke bare mein bahut kuch, uske baad DI-2 bola aapko aisa kuch likha hua, और DI-12 में चार लोगों की डिटेल्स एक साथ जमा दिए जा सकते हैं अगर चार डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज और है, एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था इतने तारीख को और उसमें लिखा था रेजोल्यूशन इतने तारीख को पास हुआ। इंटरेस्टिंग चीज सुनो, तुम्हारी बुक्स में नहीं है, फुल पेज कर दो नॉलेज के लिए, पर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ उसकी अपॉइंटमेंट 1 जुलाई से वो नौकरी ज्वाइन करेगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द डेट फॉर दीज फॉर्म्स? ओके ठीक है, छोड़ दो, अभी तुम लोग नहीं भी समझ पाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज थोड़ा ऊंचा चला जाएगा, छोड़ के रख दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा एक चीज बताओ, अगर DI-12 तुम लोग नहीं फाइल करते हो, अगर DI-12 तुम लोग नहीं फाइल करते हो कंपनी आरओसी, तो अपॉइंटमेंट फिर भी वैलिड है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर फाइन्स लगेगा। तुम सोचता है अरे फॉर्म जमा नहीं हुआ, अरे फॉर्म तो एक प्रोसीडुरल मैटर है, उससे बेचारी की अपॉइंटमेंट थोड़ी हो जाएगी, अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड नहीं होता, रिमेंबर दैट। इफ यू डोंट डिपॉजिट लेआउट, इफ यू डोंट डिपॉजिट DI-12 टाइमली, योर अपॉइंटमेंट इज स्टिल वैलिड, ओनली एडिशनल फीस विल बी इम्पोज। तो सुबह से क्या सीखा है? सुबह से आज तीन चीज सीखा है। फर्स्ट, डायरेक्टर्स आर नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट टेबल एफ में उनका प्रोसीडर दिया है, सर टेबल एफ भी अगर एक्सक्लूडेड हो तो ऑटोमेटिकली जो पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं इंडिविजुअल वाले, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो कई बार कंपनी भी होती है, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स आर डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, DI-12, DI-2, क्लियर है? 12 कंपनी आरओसी को देता है, 2 यस आईएल, राइट। लुक एट दिस रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कल हम लोग सीखे थे कि एजीएम में कुछ डायरेक्टर्स रिटायरिंग टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ एक्चुअली रिटायर करेंगे, सारे रिटायरिंग टाइप वाले रिटायर नहीं करते। और हमने कल ही सीखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो फिक्स टर्म के लिए होते हैं, दे आर नॉट रोटेशनल टाइप डायरेक्टर्स। तो देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी में जरूरी है, कल जो हमने पढ़ा था वो कौन सी कंपनी को लागू करेगा, प्राइवेट कंपनी में ये चीज जरूरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के लिए है। क्या तुम्हारे बुक्स में भी पब्लिक को दो बार अलग अलग करो, 2/3 रिटायरिंग टाइप वर्ड लिखो, लिखा हुआ है। अच्छा अगर आर्टिकल्स बोल दे सारे डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे तो सारे को करना पड़ेगा, ओ बाबा बोला, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम, मतलब हर बार फ्रेश चाहते हैं आपकी कंपनी, तो अलग चीज है। तो अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, 2/3 डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी ऑफ वॉट टाइप, 2/3 आपके कैसे होंगे जल्दी बताइए, रिटायरिंग टाइप। सर एक बात बताइए सर, एक्चुअली कितने रिटायर करेंगे, नीचे आओ, मैंने कल बोला भी था 1/3 विल एक्चुअली रिटायर एट एवरी एजीएम, और अगर 1/3 एक्चुअल नहीं आ रहा, नंबर नियरेस्ट टू 1/3 बोलो, ऐसे लाइंस मिल रहे हैं, मैं आपको इसका सम दिखाता हूं, लुक हियर एवरीवन, नीचे गिरो, तुम्हारी बुक्स में है ऐसे सम्स,
दो सम्स होंगे, पहले क्वेश्चन टू में आओ, अगले पेज में होगा शायद आपके बुक्स में, है क्या? डू यू हैव क्वेश्चन टू? रीड दिस. सपोज टोटल डायरेक्टर्स आपके 18 है, तो तुम क्या किया? सुनो, स्टॉप राइटिंग. तुम टोटल डायरेक्टर्स 18 सोच के मैथ्स में ज्यादा ही अच्छे थे, तुम 18 का 1/3 कर लिए. रॉन्ग है. स्टेप वन, हमेशा 2/3 का 18 करोगे आएगा 12. 12 क्या है? रिटायरिंग टाइप. मतलब सर 12 रिटायर कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये रोटेशनल डायरेक्टर्स का लिस्ट है, इनमें से 4 एक्चुअली, लिखो ये सब, रिटायर करेंगे. अब वो 4 कौन होगा पता है? तुम लोग इन्वेंट्री पढ़े हो कभी? फीफो बेसिस वर्ड सुने हो? लिख के मत आना, चीप लगेगा, स्टॉक थोड़ी है लो, पर काम आ जाता है. फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले नौकरी में आया था, जो ज्यादा भोग चुका है भौतिक सुखों को, वो पहले जाएगा. ये सब लिख के मत देना. ओके. अभी तुम लोग आध्यात्मिक सुख ले रहे हो, ज्ञान आता है. मेरा हिंदी अच्छा था? नहीं नहीं नहीं, माय हिंदी इज गुड. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट हिंदी के वर्ड्स भारी भारी यूज करने का आता था, मजा आता था चमकाने में. हिंदी अच्छा नहीं, स्पेलिंग डिक्टेशन टेस्ट लोगे भी इतना मिस्टेक होगा कि तौबा तौबा हो जाएगा. बट आई नो हाउ टू यूज गुड वर्ड्स. इसे अपने बच्चों को भी सिखा रखे हैं. उन लोग भी जब डिबेट में ऐसा ऐसा वर्ड हिंदी का यूज करता है, सब देखने लग जाता है. पिछली बार चाइना से कोई जज आया था ऑनलाइन, तो अलग स्पेशल वो करके दिया था, बिकॉज वेन लमार्टिनियर होस्ट अ फंक्शन, तो खुद को उन लोग अवार्ड नहीं देते हैं. तो ऑल दो ही वॉज द बेस्ट स्पीकर, फिर जब इन वापस जूम मीटिंग हुआ इंटरनली, तब उन लोग को बोला था, हम लोग अपने आपको अवार्ड नहीं देते हैं, आपको बता नहीं सकते बेस्ट स्कोर किसका है, बट जज स्पेसिफिकली मैंशनड अबाउट, हाँ, कि बहुत अच्छा था. वो पता ही था, देख के पता चल जाता है कि. तो इससे भारी शब्द जो होते हैं यूज करना चाहिए कई बार. नहीं, एंड ऑफकोर्स बेसिक हिंदी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए. आई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा हिंदी यूज मत करना, बाहर कर देगा, मेरे हिंदी के कारण आपकी नौकरी चली जाएगी. ओके. हाँ, मतलब आप तो अंतर ध्यान में चले जाइए और कुछ आध्यात्मिक सुख लीजिए, ऑफिस के कार्यालय को छोड़कर, अपने सहपाठी नहीं, सहकर्मियों को अलविदा कहकर, शब्बा खैर बोलकर चले जाइए. तो लुक, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो 2/3 मस्ट बी रिटायरिंग टाइप. अब एक लड़का पूछा, ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? इधर आओ, क्वेश्चन दिखाते हैं. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है. हाँ, ये सब फाइनल्स में आए हुए हैं, इंटर में इन दोनों में से एक आ जाएगा. एडिशनल डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं ना, आज आपको पढ़ाऊंगा. एक कल एक वर्ड आया था एडिशनल डायरेक्टर्स, कोई डायग्राम चार्ट देख के बताओ किस, कौन इनको अपॉइंट करता है. कल एक चार्ट बनाए थे वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टर्स आप, जिसमें आज मैंने SSD आपको ऐड करवाया, फर्स्ट डायरेक्टर समझाया. कल ही तो पढ़ाया था आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं एडिशनल. सपोज आज है 15 जुलाई 2025, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है. कितने तारीख को बच्चों? 15 जुलाई 2025 को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है. हाँ सर, तो AGM आ रहा है हमारा अब 15 सितंबर 2025, वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस. है सर, आया है तो एक साल तो इंजॉय करने दीजिए ना. एडिशनल डायरेक्टर का साल भर का कॉन्सेप्ट नहीं होता. जो भी इनके अपॉइंटमेंट के बाद कोइंसिडेंटली पहला AGM आता है, उस दिन इनको बाय बोलना पड़ता है. तो बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स वेकेट करते हैं ऑफिस AGM को. तो एक लड़का पूछा, सर ये रिटायरिंग टाइप के हैं या नॉन रिटायरिंग टाइप के हैं? ये दोनों में से कुछ भी नहीं है. बताओ क्यों? क्योंकि रिटायरिंग टाइप के तो है ही नहीं, वरना रिटायरिंग टाइप वाले एक साल तो एंजॉय करते हैं कम से कम. इनको बस वेकेट करना है, खाली करना है प्लेस. सर नॉन रिटायरिंग टाइप के हैं क्या? नहीं, नॉन रिटायरिंग होते तो ये रह जाते. इनको तो वेकेट मतलब खाली करना, रिटायरमेंट मतलब भी खाली करना होता है. बट आई वुड से ऑल रिटायरिंग डायरेक्टर्स वेकेट ऑफिस. इधर देखो सबको देखो एक बार, मैं देख पा रहा हूं, फुल स्क्रीन दिखाओ मेरे को एक बार, कुछ कारण है. अरे फुल स्क्रीन मेरे को दिख रहा है. इधर देखो सबको, मैं चेयर पे बैठा हूं. इधर देखो बच्चों, देखो मदारी खिला. मैं डायरेक्टर हूं, रोटेशनल हूं, मैं रिटायर कर रहा हूं, मैं घूम गया एक साल, मैं रोटेशनल डायरेक्टर हूं, चला गया, जगह खाली हो गया. रिटायरिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो वेकेटेड द ऑफिस रोटेट करके. ओके, एक बार आओ ना, ठीक है, प्लीज आओ ना, चेयर पे बैठो ना, तुमको एडिशनल डायरेक्टर बनना है. अरे आओ ना, प्रतीक आओ. मैं कैसे रोटेट किया देखा था, ऐसे गेम खेला, चेयर पे खेला, बैठो. प्रतीक एडिशनल डायरेक्टर है. प्रतीक उठ, गोल गोल नहीं घुमा, वेकेट किया. यानी दोनों जन वेकेट किए, रेड एंड ब्लू टी शर्ट दोनों वेकेट किए. आई रोटेटेड,
अरे रोटेट, एग्जाम्पल फालतू दिखा रहे, तुम भी चेयर में से रोटेट करके मत बोला है रोटेशनल। कहने का मतलब है रोटेशनल डायरेक्टर से एंजॉय करते हैं पूरा साल की अवधि को और उसके बाद अलविदा कहते हैं। और एडिशनल डायरेक्टर जो भी पहला एजीएम आता है इनके अपॉइंटमेंट स्वरूप, सर अगर 15 दिन बाद ही पहला एजीएम आएगा, उपाय नहीं था, इसकी जिंदगी इतनी थी। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एडिशनल डायरेक्टर ना रिटायरिंग टाइप का है ना नॉन रिटायरिंग टाइप का है। सो ऑल रिटायरिंग डायरेक्टर्स एट एजीएम वेकेट ऑफिस, बट ऑल वेकेटिंग डायरेक्टर्स डू नॉट रिटायर। इसका मतलब बताओ, एडिशनल डायरेक्टर्स वेकेट बट दे आर नॉट रोटेटिंग। लाइक प्रतीक वॉज अ डैश एडिशनल डायरेक्टर हु वेकेटेड द ऑफिस बट प्रतीक डिड नॉट रिटायर। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 है, सॉरी आंख खराब हो गया, 21 फुल स्टॉप। आउट ऑफ 21 डायरेक्टर्स वन इज आईडी, हु इज आईडी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वन इज एडी एडिशनल डायरेक्टर, वन इज एसएसडी। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी विल एक्चुअली रिटायर एंड हाउ मेनी विल वेकेट ऑफिस। रुक जाओ, दो क्वेश्चन है। तो तुम लोग क्या किया, 21 का 2/3 कर लेता है, जो हमें सिखाया था ना आपको अभी थोड़ी देर आगे। पहले तुम यही सिखाया था, टोटल जो दिया रहता है उसका 2/3 कर लो, फिर 1/3 कर लो। अब रुको, अब लॉ एक नया चीज सिखा रहा है आपको कि बोलते हैं टोटल डायरेक्टर्स जो दिए हुए रहते हैं उसमें से माइनस करो आईडी को, माइनस करो एडी को, एसएसडी को भी, और कोई नॉमिनी डायरेक्टर्स अगर हैं। लॉजिक सुन लो, ये सारे डायरेक्टर्स जो है ना ये रोटेशनल टाइप के नहीं है, फिक्स टर्म वाले डायरेक्टर्स हैं, तो इनको तो टोटल में गिन ही नहीं सकते हो। जैसे मैं बोलूं एक दूध का ग्लास है, उसमें दूध भी है पानी भी है, मिक्स किया हुआ है, और हम लोग को रेशियो निकालना है मिल्क एंड वाटर का, तो मेरे को उसमें कुछ कचरे भी दिखाई दे रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन सुना था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालो, उसमें कुछ कचरा भी है, तो कचरा पहले साइड करेंगे तब ना मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकलेगा। तो उसी तरह टोटल नंबर में रेशियो में मिल्क है, वाटर है, एंड हु आर द कचराज, दीज फोर। एग्जाम में लिख के मत आना दे कचरा। यह हमें घटिया स्टाइल है आपको कॉन्सेप्ट देने का कि जो ना मिल्क है ना वाटर है, जो ना रिटायरिंग टाइप के हैं ना नॉन रिटायरिंग टाइप के हैं, बेसिकली जो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते हैं मतलब एजीएम में, उन लोग को हटा दे रहे हैं बिकॉज यूजुअली एंड दे आर नॉट ऑफ रिटायरिंग टाइप। तो ये 18 का निकालेंगे हम लोग, आया 18 कैसा आया बताओ, एक आईडी, वन एडी, वन एसएसडी पहले माइनस कर दिया 21 में से, तो एक्चुअली रिटायर निकल गया। एंड वेकेटिंग ऑफिस कितना होगा, तुम बोलेगा सर 4, नो एडिशनल भी तो होगा क्योंकि एडिशनल तो वेकेट करता ही है। फुल पेज करो एक बार सोचो, इसको आने का चांस एग्जाम में 0 है। पहले क्यों नहीं बोले, थोड़ा समझाना जरूरी था अगर आ जाए, क्योंकि फाइनल में आया हुआ समय 3 बार और पहली बार इंटर में अगर आ जाए तो पेपर ब्लॉक नहीं हो। यानी वेकेटिंग का फॉर्मूला अगर याद कर ले, वेकेटिंग इज इक्वल टू एक्चुअली रिटायरिंग बाय रोटेशन प्लस एडिशनल डायरेक्टर्स या जो एजीएम में रिटायर वेकेट करते हैं, जैसे प्रतीक देखा था वेकेट किया था, और ये वेकेट मतलब इंग्लिश वर्ड है खाली करना, तो एक खाली हुआ रिटायरमेंट से, एक खाली हुआ फिर उड़ गया। स्टार्ट रीडिंग, आई विल गिव यू 10 seconds टाइम, जो पेन ड्राइव में देख रहे हैं वापस रिवाइज करो।
चलिए, वेरी वेरी गुड. नाउ बीच का कुछ नहीं पढ़ना आपको, यू डोंट हैव टू रीड. कम हियर एवरीवन. आज हम लोग एक वर्ड पढ़ रहे थे बार बार, प्लीज सुनो. आज डीआईए 12 पढ़े थे, डीआईए 2 पढ़े थे. 12 कंपनी आरओसी को देता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट रिमूवल जो भी, और 2 होता है जो डीआईए 12 के साथ अटैचमेंट के रूप में जाता है, दैट इज द कंसेंट लेटर का स्कैंड पीडीएफ जो डायरेक्टर कंपनी को देता है. नाउ व्हाट इज डिन, क्योंकि एक वर्ड आया था, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं डिन होना चाहिए एंड अ डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164. डिन क्या है प्लीज देखो, एवरी इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विल मेक एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, से एक डिन लेना पड़ेगा. सर ये कैसे डिन कलेक्ट किया जाता है, इसके लिए एक प्रोसीड्यूर है, इधर देखो, ये आपके सिलेबस में भी आ सकता है. ये लिखा है एवरी एप्लीकेंट विल मेक एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म DIR-3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. है क्या, एक बार दिखाइए, मैं सही पेज नंबर बताता हूं, शायद आगे पीछे होगा, चेक करो. पुराने किताबों में 33 में था, पुराने किताबों में 33 में था, नए किताबों में ऑलरेडी दिख रहा होगा. रूल्स रिलेटेड टू डिन कई किताबों में 33 में था, कई किताबों में जो भी पेज में मिला. तो एवरी एप्लीकेंट, तीन चार पेज बाद ऐसा दिख रहा होगा, एवरी एप्लीकेंट हु वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर विल मेक एन एप्लीकेशन इन DIR-3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोलो हाँ या ना. 12 और 2 दो ही तो था, और 3, ये डिन 3 नहीं है, DIR-3 है फॉर्म जिसमें डिन के लिए एप्लीकेशन होता है, एक नंबर एमसीक्यू में आ जाएगा. और एक चीज, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं, प्लीज लिसन टू मी, व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी स्पाइस प्लस फॉर्म, याद है INC-32, INC-32 में भी आप 3 डायरेक्टर्स के लिए डिन मिल सकता है आपको अलग से, फिर ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. यस, फिलिप फॉर्म था YLLP में. यानी आप डिन या तो DIR-3 के संग पाइए, और नई कंपनी के केस में INC-32 में अप्लाई कर दीजिए 3 डायरेक्टर्स के लिए. सर एक बात बताइए, ये DIR-3 के लिए मुझे अप्लाई कैसे करना है? ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर DIR-3 फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए. पहले लिखा है डाउनलोड DIR-3 फॉर्म फ्रॉम द पोर्टल, फिल इट, डाउनलोड करके फिल कर दीजिए फॉर्म में जो मांग रहा है. उसके बाद कुछ चीजों का, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है आपको, अटैच कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन करना है. क्या क्या, फोटोग्राफ में ना सेल्फी नहीं हो सकता, ऐसे मुंह फुला के ऐसे आंका बाका हिल, मतलब जो भी आप लोगों को पता है सेल्फी के क्या क्या स्टेप्स हैं. तो फोटोग्राफ एक नॉर्मल शिष्ट बच्चे की तरह जैसे प्रतीक खिंचाता है फोटो, वैसे फोटो. आईडी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, मुझे तो कभी सेल्फी समझ में नहीं आता, तो मेरा बहुत गंदा आता है सेल्फी में फोटो, तो आई नेवर वांटेड, लगता है बकरा ऐसे मुंह खोल के बैठा है, इट्स वेरी ऑकवर्ड. एक्चुअली सेल्फी में कुछ तरीका होता होगा आई थिंक उसका, आई डोंट नो. फोटो एक लर्न करो, सुनो एग्जाम में आता है डिन नंबर ऑब्टेन कैसे करना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. डाउनलोड DIR-3 फॉर्म फ्रॉम द पोर्टल, फिल द पर्टिकुलर्स, अटैच कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ. एंड बोलते हैं इंटरेस्टिंग चीज, बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें बोला गया कि तुम्हें डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, मतलब किसी कंपनी में तुम्हें डायरेक्टर बनाया जा रहा है ना, तो तुमको उस कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी उनसे मांगना पड़ेगा अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है. नई कंपनी में तो आप स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कर सकते हैं, और आपका जो सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर को चेक करवाना पड़ेगा. और DIR-3 फॉर्म डिजिटली साइन करेंगे आप, और वेरीफाई करवाना पड़ेगा CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके यहां कोई CS है, या आपके कंपनी के MD या डायरेक्टर या CEO जिस कंपनी में आप बनने जा रहे हैं वो बोलेंगे हाँ ऐसी ऐसी बात है, यहां तक आपको पढ़ना था बस. तो रिमेंबर, अगर आपको डायरेक्टर बनना है DIR-2 या 12 लिख के मत आना, आपको डिन नंबर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिन नंबर के लिए कौन से फॉर्म है, कौन से पोर्टल से, www.mca.gov, वहां से डाउनलोड करके भर दीजिए और अटैच कर दीजिए फोटो, रेसिडेंस प्रूफ,
आईडी प्रूफ यही लिखा हुआ है ना, देखो बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट कंपनी वेर यू आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड एंड योर सिग्नेचर शुड बी ड्यूली वेरीफाइड एंड फॉर्म शुड बी ड्यूली वेरीफाइड बाय आपका सीएस. हमारे यहाँ कोई सीएस है ही नहीं, तो एमडी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी जहां आपको बात करने की अपॉइंटमेंट करने की बात चल रही है. ये लर्न है, 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट लिखो कि डिन नंबर का प्रोसीडर पूछ लिया एग्जाम में कि हाउ डिन नंबर इज ऑब्टेन दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम हॉल. फाइनल्स में फिर पढ़ेंगे पर यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया. और एक बार पूछा न्यू कंपनी में क्या DIR 3 के जगह कोई तरीका है डिन नंबर लेने का, यस स्पाइस प्लस में 3 डायरेक्टर्स का डिन नंबर उसी फॉर्म में अप्लाई करके मिल सकता है, तब मेरे को DIR 3 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. तुम लोग डायरेक्टर सॉलिड करके जाओगे, बाकी बच्चे लोग बोलेंगे हम जनरल मीटिंग पढ़ रहे, टीचर बोल रहा है बहुत इंपोर्टेंट है, पढ़ने दो. वहां से भी कर सकते, दोनों ऑप्शन है DIR 3 एज वेल एज स्पाइस INC 32. तो आफ्टर 15 डेज यू विल बी इन अ डिफरेंट पोजिशन. इफ यू आस्क योर अदर फ्रेंड्स हु हैव टेकन CMA ट्यूशंस, आस्क देम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आप देखोगे कि आपका जो रथ का चक्का है वो जमीन से बहुत ऊपर उठ रहा है एंड यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग. ना तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, बी पॉजिटिव. अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जो MT में भी आप कर रहे थे. बी पॉजिटिव जेन्युइनली, या ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है. और तुम लोग का भी, तुम लोग का तो चेंज हो गया अभी यहाँ ज्वाइन करने का, तुम लोग का वो चेंज हो गया है, तुम लोग का लॉ पॉजिटिव है अब. नहीं नहीं कोविड पॉजिटिव नहीं बाबा, दूर हटो. अब सुनो सुनो सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज आओ. अब डिन नंबर एक लॉजिक का बात बताओ इसमें, और सेक्शन 156 है कहीं तुम लोग का, पीछे जाया गया शायद, पीछे जाओ पुराने बुक्स में शायद 156 हेडिंग दिख रहा है. बोलता है हर डायरेक्टर, ये देखो कंपनी को बता देगा मेरा डिन नंबर आ गया 1 महीना के अंदर, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं था, बताना था. और कंपनी किसको बताएगा फिर बताओ, ROC को विदिन 15 डेज, 157 में लिखा हुआ. और इसमें फिगर्स कुछ चेंज हुए, आपके बुक के फिगर्स रॉन्ग है पर पढ़ना नहीं है, पूछो क्यों, फिगर्स ऐसे भी नहीं आते आपकी बुक में ना, रॉन्ग फिगर्स दिए हुए वो ऐसे भी नहीं आएंगे. फाइन्स एंड पेनल्टीज पूरे पेपर में 105 मार्क्स में 1 मार्क के लिए कभी कभी आता है, 1 इन CMA. और जहां पे 3 सेक्शंस ऐसे जहां मैंने फिगर्स और फाइंस याद करने बोले थे आपको, चार्जेस में मैंने चार्जेस में बोला था, डिपॉजिट्स में बोलूंगा और एक दो जगह और, बस कोई टेंशन ही नहीं है. तो लिखा हुआ है कंपनी ROC को बता देता है 15 दिन के अंदर कि मेरे डायरेक्टर का डिन नंबर आ गया, और गलत बताता है तो ये पेनल्टी लगता है, नहीं बताता है तो ये लगता है. ये पेनल्टी का फिगर भी था, यस यस मत बोलिए. एंड कैन यू हैव वन डायरेक्टर हैव मोर देन वन डिन नंबर. सुनो सुनो, प्रतीक है ना 15 कंपनियों में डायरेक्टर है, हो सकता है क्या 20 कंपनियों में अलाउड है, बट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर 2 ही कंपनी में अलाउड है, एंड सेकेंड कंपनी राइवल कंपनी नहीं होनी चाहिए. तो प्रतीक 15 कंपनियों में डायरेक्टर है, एक ही डिन नंबर से 15 कंपनी का चल जाएगा, चलेगा. तुम क्या ड्राइविंग लाइसेंस हर गाड़ी चलाने के लिए अलग लेते हैं? हाँ सर ये मेरा अलग ड्राइविंग लाइसेंस है, मारुति चलाएंगे तो ये, हुंडई का मेरा ये है, टोयोटा का ये है. नो प्रोहिबिशन ऑफ मोर देन वन डिन नंबर, ये M2 फॉल्स आ जाएगा. हर डायरेक्टर का 1 डिन नंबर ओनली वन डिन, एक ही डिन नंबर चाहिए आपको, एक से ज्यादा डिन नंबर नहीं चाहिए. तो एक चीज देखियो कितना कम मार्किंग है डायरेक्टर में. अब तुम बोलेगा हम समझ गए, कम कर करके भी देखेंगे 70-80 पेज हो गए, तो उसको मैं कंप्रेस कर दूंगा फाइनली जो रेलिवेंट पोर्शन है. एक से ज्यादा डिन नंबर आपको नहीं चाहिए यहां पर. इज इट ओके एवरीवन? चेक करो प्लीज, बोलो ओके. मैं आने वाले 17 और 18 को नहीं रहूंगा शहर में, बट आपकी यहां क्लास होगी, कुछ यहां पर एक चलेगा, आप उसको देखिएगा, इजी टॉपिक. लंबा सांस लो, पेजेस घुमा दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स पीछे के नहीं करने आपके एग्जाम में. अब आप आएंगे सीधा 161, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड. हाँ 10-12 पन्ना छलांग मार दीजिए, मैं आपको नया नोट्स बना के दे रहा हूं डायरेक्टर्स का. 161, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आगे जाना जीवन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है एग्जाम में कई बार. पहले मेरी बात सुनो,
हम लोग पढ़े थे डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, जिसमें से पहला नाम बच्चों क्या दिखा है भाई बताओ, एडिशनल डायरेक्टर। दे आर अपॉइंटेड बाय एक सिंपल लाइन बाय बीओडी। बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूं। फैक्ट्री में एडिशनल वर्कर्स कब अपॉइंट करते हैं आप? जब वर्कलोड बढ़ जाए। तो एडिशनल डायरेक्टर्स कंपनी में कब अपॉइंट होंगे? एक लाइन सुनो, जब वर्कलोड बढ़ जाए। तो हिंदी में एक सिंपल लाइन क्या लिखा है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में गिव पावर टू द बोर्ड द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। यानी कि बोर्ड के पास पावर आता है अपॉइंट करने का, बट बोर्ड को पावर देता कौन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का? द आर्टिकल्स एसोसिएशन। बट एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, डीकेजी है ना, शेयर होल्डर्स मीटिंग में लोग इनके ऊपर पत्थर गिराया, ये अपना कैंडिडेटचर जमा दिए थे, हमको अपॉइंट करेगा आप लोग, शेयर होल्डर्स मीटिंग में बोलते हैं प्रोसीडियर फॉलो करके, लोग बोले हम लोग पगला गए हैं, तुमको बिल्कुल नहीं अपॉइंट करेंगे। तो सुनो, डीकेजी वहां तो हार गए, कहां वोट हार गए? शेयर होल्डर्स मीटिंग में वोट हार गए। तो बेटा बुद्धि क्या लगाया पता है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में संधि कर लिए हैं, उन लोग हमको अपॉइंट कर लेगा, शेयर होल्डर्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम बोले डीके संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अदर देन, यानी जो इंसान शेयर होल्डर्स मीटिंग में लात खा जाता है वो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको पूछी नहीं देगा। पढ़ के देखो, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि एक बार तुमको अगर लात मिल गया है तो वहां तुमको अब कोई भी गोदी करके नहीं बैठाने वाला है। अदर दैन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, इसका मैं इंग्लिश वर्जन में लिख देना, इफ ही इज लातिफाइड देयर ही कैन नॉट बी पुचिफाइड हियर, डोंट मेक एंड सच सेंटेंसेस। ये थोड़ा जानबूझ के बोला जाता था कि आप ऐसे एक्टिव हो जाते हैं, कई लोग ऐसे वर्ड सुन के कौन 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 किसको ऐसे क्या हुआ। तो इंग्लिश देखिए क्या लिखा हुआ, अदर दैन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, जो घर में भी फैज भाई देख रहे हैं, हंस रहे हैं अपने फ्रेंड को देखकर। पढ़ो दोनों, पढ़ाई भी एक साथ कर रहे हो क्या दोनों? आइए, अदर दैन अ पर्सन, नहीं नहीं ऐसा दोस्ताना भी ठीक नहीं, अदर दैन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग। लैंग्वेज मिला, यानी सुनो क्वेश्चन आया है, मुखर्जी बाबू वॉज लातिफाइड, सॉरी वॉज रिजेक्टेड इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग, मुखर्जी बाबू कैन ही बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड। एक लड़का लिखा है, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 बोर्ड अपॉइंट्स एडिशनल डायरेक्टर, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? योर कॉन्सेप्ट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज इफ ही हैज बीन लातिफाइड इन शेयर होल्डर्स मीटिंग रिजेक्टेड, वो आप पीछे फ्रंट डोर बंद हो गया तो क्या बोलते हैं, पीछे के रास्ते से आ गए, बालकनी से खुद के आ गए, घर में नहीं आ सकते। मिला, और ये वाले ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे इन लोग? कमिंग एजीएम। एक लड़का मेंटल हो गया, सर एडिशनल डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर 5 इयर्स। बोला अच्छा, हम बोले घर का है तुम्हारा? सर वहां पर है, मतलब कोलकाता में। हम बोले तो ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के कहीं और जाओ, इलाज करवाओ, रांची जाओ, आगरा। कहां पर होता अच्छा इलाज आजकल? आगरा हो गया शिफ्ट, आगरा शिफ्ट हो गया क्या तुम लोग के जान पहचान के लोग? तो ध्यान से देखिए, अब एक एडिशनल डायरेक्टर बहुत होशियार था, प्रतीक और होशियार था। हाँ सर हम बात कर लिया, एजीएम बुलाएंगे नहीं इस साल। हम बोले क्यों? सर एजीएम में तो हटना पड़ता है, हम एजीएम बुलाएगा ही नहीं तो अमर हो जाएगा। कानून के हाथ लंबे हैं प्रतीक, वो क्या लिखा है देखो, तुम अगर एजीएम नहीं बुलाओगे द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वो उस दिन तुमको बबाए बोलना पड़ेगा। कैन यू गेट इट एवरीवन? यहां तक पढ़ो, नेक्स्ट लाइन तुम लोग मत पढ़ना, फाइनल के बच्चे लोग पढ़ेंगे, दिया नहीं है ना, गुड, तुम्हारे यहीं तक दिया हुआ है ना। पर तुम ये बताओ, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडी, हु हैज बीन, हु फेल्स टू गेट हिमसेल्फ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, कैन नॉट टेक अ बैकडोर एंट्री, एंड कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, क्योंकि एग्जाम में भोला भोला क्वेश्चन देगा, दिस ईयर नो एजीएम, तुम बोलोगे दैट्स गुड लक फॉर हिम, ही कैन कंटिन्यू। अरे यू विल ऑल्सो कंटिन्यू इन योर इंटर एग्जाम फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स इफ यू राइट दिस, यस, इफ यू डोंट राइट दिस, ओके, लास्ट डे हटना पड़ता है। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर में आओ, ले आउट बच्चे, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है बिना पढ़े बताओ, किसी के बदली में। तो हिंदी में सुनो, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से मिनिमम 3 महीना बोलकर जा रहा है हम नहीं आएंगे इंडिया, 4-5 महीना, 3 महीना या 3 महीना से ज्यादा, तब वो अपॉइंट करके नहीं जाएगा किसी को, वो बोर्ड को बताएगा, बोर्ड फिर अपने इच्छा से किसी को अपॉइंट करेगा। एग्जाम में क्या आया पता, ओरिजिनल डायरेक्टर 5 महीने के लिए जा रहा था, अपनी जगह गोदी लेके अपने भाई को बैठा दिए, और तुम लोग एग्जाम में क्या लेके आए, अच्छा 5 महीने के लिए जा रहा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम आगे पूरा परिस्थिति देखो कौन किसको अपॉइंट करता है,
बोर्ड करता है, वो जाते जाते खुद नहीं कर सकता है। पढ़ के देखिए, फुल पेज करो। ये क्या होता है? हाँ हाँ देख लिया, 15-10 दिन हो गया। स्क्रीन ओके, सम क्वेरीज, या यू आर करेक्ट। बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा कैसे? अगर आर्टिकल्स बोल दे तो करेगा, या शेयर होल्डर्स बोर्ड को पावर दे दे। कई लोग क्या सोचे पता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा। तो आंसर क्या है? बोर्ड अपॉइंट्स ALTD। व्हाट इज ALTD? इफ शेयर होल्डर्स ऑथोराइज BOD। शेयर होल्डर्स नहीं अपॉइंट कर रहा है, कई लोग सोच लिए उस लाइन का मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहा है। इफ AOA ऑथोराइज BOD। पर वो कब, सिनेरियो कौन सा? ओरिजिनल डायरेक्टर कितने दिन के लिए बाहर गया? यस, पर अगर लौट के आ जाए पहले ही तो ओरिजिनल डायरेक्टर को खाली करना पड़ता है। वो उसको देख के पता क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बोला था 4 के लिए जा रहा है तो 10 दिन में कैसे वापस आ गया? उपाय नहीं है, ही हैज टू वेकेट। नहीं, दो जगह, 2 महीने के लिए प्रोविजन नहीं है ना, खाली रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो अभी बोल के जा रहा है हम 4 महीने के लिए जा रहे हैं, तो हम अभी किसी और को बोर्ड अपॉइंट कर देगा। पढ़ के देखिए, शैल वेकेट ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। लैंग्वेज पढ़ लो, व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, शैल वेकेट द ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। एंड इंटरेस्टिंग चीज है ये, नो पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस वो डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट ना हो। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह अगर तुम किसी को ऑल्टरनेट अपॉइंट करना चाहते हो तो वो आदमी भी क्या होना चाहिए? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड अपॉइंट करेगा। अच्छा, बोर्ड अपॉइंट करेगा, हम लोग उस चार्ट से पता चल गया था कल, जो मैंने लास्ट में ड्रॉ करवाया था, इफ यू रिमेंबर, कल मैंने क्लास में चार्ट ड्रॉ करवाया था, उसी में पता चल गया था। So the board if authorized by articles or by resolution in general meeting, तो लोग पता है क्या सोचे, अच्छा shareholders लोग भी appoint कर सकता है। No, shareholders board को power देता है appoint करने का, जब original director India से minimum 3 months के लिए जाते हैं, वो बोल के जा रहे हैं हम जा रहे हैं 5 महीने के लिए, तो अभी appoint हो जाएगा। पर वो अगर लौट के पहले आ जाए तो इनको पहले जगह। और सुनो एक दुखद समाचार, अगर original director plane crash में मर गया तो alternate director अमर नहीं हो गया कि सर अब तो लौट के नहीं आएगा, वो उसको भी हाथों हाथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोस्ट के बिहाफ में वो आया है वो पोस्ट ही खत्म हो गया। पागल कुत्ता अगर ओरिजिनल डायरेक्टर को काटता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी जीते जी पगला जाएगा। सपोज DKG ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर बने थे शिवम के बिहाफ में, तो क्या सोचे पता है, हम इसके ऊपर एक बोरा में कुत्ता को लाएगा रॉकी को, रॉकी को छोड़ देगा शिवम पर। और जैसे ही शिवम को रॉकी काटा, DKG नाचने लगे, अरे मजा आ गया। तो अरे कार्नी बोला, तू भी खत्म, तेरा अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी खत्म। और पगला गिरे के जी, अरे उसको काटा है कुत्ता। बोला, काटा उसको है, चुभन तुमको होगा, क्योंकि जैसे ओरिजिनल वाले का पोस्ट खाली होता है ये भी जीते जी खत्म हो जाएगा। स्टार्ट ओके, अच्छा लुक हियर एवरीवन, ये जो है ना, ये मैंने कार्ड दिया है, ये सेबी LODR और सब फाइनल्स में पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग पहुंचेंगे ही मतलब, और फिर से चयन करते हैं हम लोगों का। ओके, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया, एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर।
अच्छा एक तो कल याद है प्रतीक, एडिशनल भी बोर्ड अपॉइंट किया, अल्टरनेट भी बोर्ड अपॉइंट किया, ये तो क्लियर है। अब आओ, एक पेज गायब हो गया, हाँ नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर इसको भी बोर्ड अपॉइंट करता है। हाँ हाँ आराम से फुल पेज करो, लेट देम रिलैक्स रिवाइज स्टार्ट डूइंग इट। नॉमिनी डायरेक्टर, अच्छा कुछ लिख रहा था क्या तुम लोग अभी तक? लिख लो, 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, जब तक ये पढ़ लो थोड़ा सा। ये एक एक्स्ट्रा लाइन होगा, ये देखो एक एक्स्ट्रा लाइन है, कुछ लिखना है क्या? ये लिख लेना अगर ऐसा नहीं हो। स्टार्ट रीडिंग, दोनों पढ़िए। Start doing it. देखिए बोर्ड में अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहां पंचायती करते हैं बताओ? गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट लोग अपना नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं। और कल मैंने बैकग्राउंड दिया था, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस जब आपको लोग लोन देते हैं वो भी अपना नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं, दोनों एस्पेक्ट मिला। तो लिखा है सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, यानी आर्टिकल्स में थोड़ा उनका प्रोसीड्योर लिखा रहता है वो हम ध्यान में रखेंगे। द बोर्ड मे अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सीएमए के मॉडल टेस्ट पेपर में इंटर में एक बार ये क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉमिनी डायरेक्टर, तो ये पूरा छाप देना चाहिए था आपको। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, ये भी लिखोगे उसके अंदर कि आर्टिकल्स में प्रोविजंस दिया रहता है, प्रोसीड्यूर दिया रहता है, बोर्ड में अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर इफ दैट पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन बाय सम अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट में लिखा था कि हम अपना नॉमिनी बनाएंगे, या उन जो इंस्टीट्यूशन के एक्ट में लिखा हुआ है कि हमारे यहां इससे नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं,
या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी होल्डिंग होने के कारण कई बार अपना नॉमिनी अपॉइंट करवाती है। लैंग्वेज ध्यान से देखो, गवर्नमेंट भी आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस भी आ रहा है, जो मैंने बैकग्राउंड दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लो। हाँ, इसको पढ़ लीजिए। इंस्टीट्यूशंस वर्ड भी है, गवर्नमेंट वर्ड भी है। मैंने कल बैंक्स बोला था क्या, तो इंस्टीट्यूशंस हो गया, और गवर्नमेंट भी बोला था क्या मैंने, तो गवर्नमेंट हो गया ना, गवर्नमेंट कंपनी। नाउ व्हाट इज दिस कैजुअल वैकेंसी लेआउट? सुनो, हम मिस्टर एक्स को शेयरहोल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट किए 3 साल के लिए, बट बिफोर 3 इयर्स, 1.5 इयर्स के बाद वो मर गया या अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसको जगह खाली करना पड़ेगा। तो इसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। इट्स अ कैजुअलिटी, समझते हो क्या, कुछ दुर्घटना हो गई। हाँ, पर एबनॉर्मल आंसर में मत लिखना। तो जब इस टाइप का बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एक्चुअल टर्म, व्हेन अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, हिंदी में सुनो, जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट हुआ है उसका प्लेस जब समय से पहले खाली होता है, तो बोर्ड उसकी जगह किसी को अपॉइंट कर सकता है, पर एक शर्त है, आने वाले फर्स्ट जनरल मीटिंग में इस अपॉइंटमेंट का हमें अप्रूवल पाना पड़ेगा। ये किसमें एक एक्स्ट्रा अच्छा रिक्वायरमेंट है। मैं हिंदी में वापस बोल रहा हूं, मिस्टर एक्स को हमने शेयर होल्डर्स मीटिंग में अपॉइंट किया, समय से पहले वो जगह खाली हो गया। क्यों सर? कोई कैजुअल वैकेंसी हो गया, ही डाइड, ही रिजाइंड, और एनीथिंग एल्स, अनसाउंड माइंड का हो गया, या और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिए, तो ये उसकी जगह किसी और को बोर्ड नया डायरेक्टर बैठा सकता है, सिंपल इंग्लिश, एट अ बोर्ड मीटिंग। एंड दिस अपॉइंटमेंट कंफर्म कब होगा? जब फर्स्ट शेयर होल्डर्स मीटिंग, जो इस बोर्ड मीटिंग के बाद होगा, चाहे हो सकता है 2 महीना बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, उसमें मुझे शेयर होल्डर से भी रेटिफिकेशन पाना पड़ेगा, तब वो अपॉइंटमेंट पूरा इफेक्टिव होगा। और जो नए डायरेक्टर इनके प्लेस में आएंगे ना, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? जब तक ओरिजिनल वाला होल्ड कर सकता था। लॉजिक बताओ, हम किसी के बदली में आए, हम सपोज 2 साल बाद अपॉइंट किया किसी को, उसका 1 साल बचा था, तो नया वाला एक ही साल बोलेगा हम भी तो फ्रेश आए, हमको और इंजॉय करने दो, वो नहीं चलेगा। नहीं, ओरिजिनल वाले का प्लेस अगर खाली हो रहा है तो इसका भी प्लेस खाली होगा। ओरिजिनल वाला 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 1 साल बाद वो मर गया, हम इसको अपॉइंट किया, इसका अपॉइंटमेंट अप्रूव हो गया, तो बस ये 2 ही साल के लिए रहेगा। यही तो सिंपल है, ओनली अप टू द डेट फिर फ्रेश डायरेक्टर्स आएंगे। अब वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, उसका टेन्योर खत्म हो गया, शेयर होल्डर्स मीटिंग में फ्रेश इंडक्शन होगा। नहीं, वापस सुनो, 3 साल के लिए डीकेजी अपॉइंट हुए, 8 महीना बाद ही ये चल बसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तत्कालीन आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और एक नया आदमी अपॉइंट करेंगे, शिवम को। शिवम अब 2 साल 4 महीना रहेगा, ये 8 महीना बाद चला गया था। यस, बचा हुआ पीरियड ये रहेगा फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। हाँ, इसका टेन्योर खत्म। वापस सुनो, आज कंफ्यूज हो गया, सिंपल सा, इतना कंफ्यूज हुआ ही कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दुखद समाचार मिला कि ये मर गया 8 महीना बाद, वो लोग डायरेक्टर्स मीटिंग में डायरेक्टर लोग वोट करके एक नया डायरेक्टर को बैठाया है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द कैजुअल वैकेंसी, रिक्त स्थान की पूर्ति डायरेक्टर लोगों ने एक आदमी को बैठा के की है, और ये आदमी अब आने वाले 2 साल 4 महीना रहेगा, क्योंकि शिवम 3 साल के लिए था, वो -8 हो गया मंथ्स, तो 2 years 4 months तक ही विल नाउ कंटिन्यू। यस, सिंपल, इसमें तो कोई है ही नहीं सोच, बोर्ड मीटिंग में बुलाया जा रहा है, और एक लाइन लोग मिस करते हैं आंसर में, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग, दिस इज मिस्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स। सब बोर्ड मीटिंग लिख के आते हैं कैजुअल वैकेंसी में, बट द मिस, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन जनरल कमिंग जनरल मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेहा जल्दी पढ़ो,
चलिए, इज इट ओके एवरीवन, हटा दूं? तो एक मिनट, हम लोग एडिशनल डायरेक्टर के बारे में क्या पढ़े? लेआउट, जो शेयर होल्डर्स मीटिंग में हार जाता है वो यहां नहीं आ सकता है, और एमसीक्यू आएगा, एडिशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो कमिंग एजीएम तक रहते हैं. ओरिजिनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर वेकेट्स ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स, और ही विल स्टे अप टू द टाइम ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर. वेकेट करना पड़ता है जैसे ओरिजिनल लॉट आए. कैजुअल वैकेंसी में जो आते हैं, दे होल्ड फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर. इतना सिंपल है. हाँ, ऑफकोर्स. तो ये सब यहाँ वापस दिया हुआ है, दरकार नहीं है आपके एग्जाम में, ये सब आपको दरकार नहीं है. आप सीधा यहाँ आ जाइए, डिसक्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. है ऐसा कुछ? और तुम्हारे बुक्स में देखो एक चार्ट भी दिया होगा अगले पेज में. नहीं नहीं, ये 164 में, वो और इजी है. नहीं नहीं, ये 164 में हूं मैं. मैं 164 में हूं. ये सेक्शन नंबर देखो, है ना, चार्ट्स है क्या कुछ? वो और इजी वर्जन्स हैं किसी किसी किताबों में. चलिए मैं चुप रहूंगा, पहले पांचों पांच पॉइंट्स पढ़ो, इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है. बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है, कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता? एक बार पढ़ो ईमानदारी से, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड. यहां तक पढ़ो. ओके, 164 में आ जाओ नेहा. आर यू रीडिंग इट? सिंपल सिंपल पॉइंट है, ऐसा ऐसा लोग. तो कई बार 5 पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन योर सीए में. इंटर फाइनल्स में नहीं आएगा, इंटर में पता है कितना बेबी क्वेश्चन पूछता है. राइट 5 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. यहाँ 7-8 दिए हुए. हाँ हाँ, पढ़ाएंगे, रीडिंग करके रखो. डी में हम तुम लोग से पूछेगा कुछ, फिर बताएगा. सारा पढ़िए, यहां तक पढ़ना है. एक बार रीड करके रखो, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड. या लेआउट प्लीज.
कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता है अगर अनसाउंड माइंड की तुम्हें डिक्लेयर किया गया। रुको रुको, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार इलाज भी तो बैठ जाता है ना प्रतीक, पर यहां पे लिखा हुआ अभी भी तुम अनसाउंड हो। एग्जाम में आएगा तुम अनसाउंड के थे पर तुम्हारा इलाज बैठ गया, होम्योपैथी दवाई तुम्हारे पर अच्छा असर किया, अब तुम साउंड माइंड के हो गए हो, पर तुम तो अंदर पड़े नहीं, अनसाउंड डिस्क्वालिफाइड। अरे अगर इलाज बैठ गया है अभी भी अनसाउंड है तो नहीं बन सकता है। ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में जब इंसॉल्वेंसी लॉ होता था, अब तो आईबीसी कोड भी आ गया है, पर इंसॉल्वेंसी लॉ में क्या होता था, कोर्ट का एक ऑर्डर आता था, हाँ तुम्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया पर तुम अपने क्रेडिटर्स को चलो अब 100 रुपए की जगह 40% दो, 50% दो। तुमको जब अगर दे दिए हो, चुका दिए हो, तब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे मुक्त अपनी लाइबिलिटी से। पर जब तक नहीं दिए हो, तुम्हारे लिए लैंग्वेज क्या है? या किसी आदमी ने खुद अप्लाई किया कि मुझे डिक्लेयर करो इंसॉल्वेंट, पर अभी तक एप्लीकेशन कोर्ट सुना नहीं है खुद, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्रेडिटर ने तुम्हारे लिए इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन जमा दी और वो पेंडिंग है, सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा। तुम तो क्या देखोगे एग्जाम में, ए पेंडिंग एप्लीकेशन, ए पॉइंट थर्ड, ही हैज अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। हाँ आदमी करवाना चाहते हैं ना, कई बार क्या हमको कम देना पड़ेगा, बहुत इच्छा से होता है, आईबीसी कोर्ट में तो लोग वॉलंटरी जाते हैं। अब ये देखो, अब तुम मेरे को बताओ, फोर्थ पॉइंट पढ़कर, कोर्ट ने तुमको चोरी करते हुए पकड़ा शॉपर स्टॉप में, कोर्ट ने तुमको 2 महीने का सजा सुनाया, तुम क्या डायरेक्टर बन सकते हो जेल से बाहर आने के बाद? बन सकते हो? नहीं, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर सजा 6 महीने की होती है तब 5 ईयर्स होता है, इसलिए देखो हम क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ्स अगर होता है तो 5 ईयर्स का कूलिंग, मतलब 5 साल तक तुम नहीं बन पाओगे। वो लाइन कब अट्रैक्ट होगा? जब तुम 6 महीना के लिए जेल गए हो, जब 6 महीना के लिए जेल गए हो तब तुम्हारे लिए 5 साल वाला क्लॉज अप्लाई होगा बच्चों। अच्छा, मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब सपोज आलिया भट्ट आई है वहां पर जाकर फैज भाई सीटी बजा रहा है, ए आलिया हमसे भी बात करो, हम भी अच्छे हैं, रणबीर की तरह ही है, अरे अब वो केस कर दी, इमोरल काम कर रहा था फैज भाई वहां पर, तो ऐसे सिचुएशन में 7 महीने का जेल कर दी, 7 महीने का जेल कोर्ट उसको दे दिया, आलिया भट्ट का मोबाइल छीन लिया, ए सेल्फी खींचेंगे तुम्हारे ही मोबाइल में तुम्हारे साथ, ये सब ज्यादा फट गया ना, एक तो दूर से कमेंट मारता उतना नहीं होता, आलिया भट्ट उस पर बोल दिया, पैनिक अटैक आ गया आलिया भट्ट को, सीढ़ियों में गिर गए एस्केलेटर पर, खरोच भी आ गया उसको, बाबा कहां ले गई मेरे को पार्टनरशिप, नहीं रुको ये पे नॉर्मल समझो तुम, कि अगर इमोरल काम के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा का सजा होता है तब जेल से बाहर आए हुए कितना दिन हो जाना चाहिए? 5 साल। हाँ हाँ वो ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है, कॉमन लॉ हर जगह आता, अनसाउंड माइंड वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कंपेयर मत करो पार्टनरशिप से। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक लिखा है अदरवाइज, मतलब कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर तुमको कोई सजा सुनाया गया है 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का तो भी 5 ईयर्स लग जाएगा। पर आप सुनो, डीके जी कुछ ऐसा जुर्म किए थे, माइक में बोल नहीं पा रहे हैं, जीके जी को 8 साल का सजा हुआ था, जेल से बाहर आए और बोलते हैं अब अपुन बन जाएगा, क्योंकि बाहर आए हुए भी 6 साल हो गया है। अगर कोई 7 साल कभी जेल चला गया है तो जीवन में कभी नहीं बन सकता। और एग्जाम में प्रतीक तो क्या ढूंढ रहा है, ये बाहर आने के बाद 5 साल अगर हो जाए तब तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि लॉ में लिखा था, लॉ में लिखा था, लॉ में क्या लिखा था, 7 ईयर्स अगर जेल गए हो तो ऐसे सिचुएशन में लिख लेना प्रतीक लाइफ टाइम बैन, फिर 5 साल की दुहाई मत देना प्रतीक तुम, दुआओं में याद रखना, जिक्र में जुबा पर, कुछ ऐसे था ना गाना, लैंग्वेज मिला, कोर्ट ने तुम्हारे जैसे लोगों को डिस्क्वालिफाई कर दिया है कि तुमने अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्रॉड किया, तुम्हारे जैसे लोग किसी कंपनी को संभालने लायक नहीं है। ये एनसीएलटी ने बोल दिया सत्यम के डायरेक्टर रामालिंगा राजू को, समय तो एनसीएलटी नहीं था सत्यम के समय, कि आप लोग अब 4 साल तक किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेंगे, या डायरेक्टर ने शेयर्स पर कॉल मनी नहीं दिए, 6 महीना पार हो गए ड्यू डेट से, तो उस कंपनी का डायरेक्टर आप नहीं बन सकते जिस कंपनी का शेयर मनी नहीं दिया, और कितना महीना पार हो गया हो, या एक डायरेक्टर ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया है, कर सकते हो पर उस सेक्शंस का उल्लंघन करके, आफ्टर नॉन कंप्लाइंग विद सेक्शन 188, पिछले 5 सालों में अगर गलती किया है, ओ पिछले
पांच सालों में अगर आपने गलती की है तो आप डायरेक्टर अभी भी नहीं बन सकते। आपके पास डिन नहीं है, सर डील तो है ना, पर अरे चुप, डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। या आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का गिनती दिया हुआ आपको मैंने पढ़ाया है, 20 के ऊपर नहीं हो सकते। ऑलरेडी आप 20 डायरेक्टर्स में हो, 20 कंपनीज में हो डायरेक्टर्स, ये 165 का मतलब यही है, तो आप नया कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। इंटरेस्टिंग। आप अगर कल ही पढ़ी थी मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकती हैं, आप ऑलरेडी 20 में है तो 21वां में आप नहीं बन सकते, ये वो है। एक्चुअली अब थोड़ा हैवी हो रहा है डायरेक्टर्स, बहुत कुछ है, फिर भी हम लोग शॉर्ट में सारा टच कर रहे हैं ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट डॉगी, अरे डी, ये अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ मतलब इसमें क्या करेगा, लिखेगा एक डायरेक्टर इतना दिन के लिए जेल गया था, जेल बाहर, जेल से बाहर आए 8 साल हो गया, और तुम तो बस क्या रट के आए हो आधी रात को, 5 साल बाद हम भी नहीं बन पाएंगे सीएम है, क्यों, क्योंकि तुम गलत पढ़ के आए हो। 7 ईयर्स अगर जला जाता है तो 5 साल नहीं देखना है, लाइफ टाइम बैन। तो एच, उसके डिन नंबर नहीं है, डायरेक्टर कैसे बनेगा, ही हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन, वहां लिख दिया नॉट हैविंग डिन, नॉट ऑब्टेन डिन। ये क्या चल रहा था, 164 का सबसेक्शन 1 के अंदर इतने पॉइंट्स हैं, एफ जी एच। अब देखो ये है 164 का सबसेक्शन 2, ये आज का लास्ट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट इन फाइनल्स, फाइनल्स में 164(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे भी पैराग्राफ दिया हुआ, मैं दिखाता इंस्टीट्यूट मैट एक बार है, डी क्या है, मतलब क्या होता है, कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ जब ट्रांजैक्शन करता है तो अकाउंट्स टीचर उसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ करता है ट्रांजैक्शन, इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक अलग चैप्टर है 3.5 घंटे का, उस हाँ उसका से एक नाम दिया हुआ है कि अगर इस टाइप के, हम तो 2 नाम दिए वहां पर, 18 नाम इस टाइप के मिलेंगे, कि अगर रिलेटेड पार्टी लोग के संग ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तो 188 में बहुत नियम कानून दिए हुए, पर हम उस नियम कानून का पालन नहीं किया है दूसरे कंपनी में, तो ऐसा आदमी फिर किसी कंपनी का डायरेक्टर 5 साल तक नहीं बन सकता। पिछले 5 सालों में अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का उल्लंघन किया हो तो आप फिर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, एग्जाम में आने के 0 चांसेस है। ये देखो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ये है आपकी बुक्स में भी और तुम्हारी बुक्स में, इसके ऊपर डायग्राम्स भी होंगे शायद, एक पेज टर्न अगर करोगे, नहीं अभी तो, अब ये नया चीज पढ़ रहे हैं ना सबसेक्शन 2, वो 1 के अंदर इतने पॉइंट्स थे, है तुम्हारे बुक्स में मिला ना, मैं बता रहा हूं, डिस्क्वालिफिकेशन के 2 सेक्शंस हैं, 164 सबसेक्शन 1 जिसमें ABCDEF इतना कुछ आया, और अब है सबसेक्शन 2, तुम्हारे उसी पेज में है, मिल गया, उसी पेज में था तुम्हारे, तो है ना, मिल गया ना, दिखाओ रितिका कोई को, उसी पेज में है, मतलब ओपन बुक भी दे देगा तुम लोग नहीं ढूंढ पाएगा, उसी पेज में है, देखो इंग्लिश का लाइंस पढ़ के देखो, ये पूरा डार्क किया हुआ आपके भी, मिल गया, उसमें डायग्राम बना हुआ है उसी का, तुम लोग के उसी पेज में पैराग्राफ है और अगले पेज में डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, पहले हमसे कुछ और वर्ड दिख रहा है, और राउंड करो और वर्ड को, और एंड भी मिलेगा कहीं, ये देखो एंड भी है, देखो बोर्ड देख लो, फुल पेज करो डीके जी, अब एक इंग्लिश पढ़ो सिंपल 5 लाइन, तुम क्या समझा देखते हैं, चलो अब एक इंग्लिश पढ़ो, खुद कोशिश करो इसको रिट्रीव करने का, व्हाट इज इट अबाउट,
पढ़ा आपने, अब मैं पढ़ाता हूं। प्लीज देखो एक बार सब कोई, स्टॉप रीडिंग। आप कंपैरिजन अच्छा करती है पर यहाँ वैसा कुछ कंपैरिजन काम नहीं है। हिंदी में सिंपल चीज देखो, मैं यहाँ बोर्ड में एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, शायद आपको बेटर लगेगा। लुक हियर एवरीवन, लुक हियर एवरीवन, एकदम इजी कर दे रहा हूँ, रेडी है? सुनो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, कॉपी मत करना, लेआउट करो, लेआउट करो। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, राम इज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, एंड एक्स लिमिटेड हैज नॉट फाइल्ड टाइमली। यहां नॉट फाइल्ड का मतलब है टाइम से नहीं फाइल किया। क्या नहीं किया? इट्स एनुअल अकाउंट्स, जो हर साल विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम आरओसी को जाना चाहिए था, और इट्स एनुअल रिटर्न, जो हर साल विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम जमा हो जाना चाहिए था। नॉट फाइल एए और एआर, एए और एआर, एए और एआर, मतलब कि बोला जा रहा है लगातार कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तुम दो साल के बाद एक बार फाइल कर दिया तो बच जाएगा, या तो तुमने ये नहीं किया है या तुमने ये नहीं किया है। अब तुम पूछेगा सर दो साल के बाद थर्ड साल फाइल कर दिया बच जाएगा, तो अगर तुमने ये टाइम से फाइल नहीं किया, तुम बोलेगा सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, जैसे हम सर फाइल किए तीनों साल किए लेट किए, तो नॉट फाइल्ड माना जाएगा, डिपार्टमेंट बोला। तो तुम एक ऐसे कंपनी का अगर डायरेक्टर है और अब तुम बनना चाह रहा था वाई लिमिटेड में, can't be appointed for 5 years. कहां से 5 years count होगा? ये 3 years का default होने के बाद 5 years तक तुम appoint नहीं हो सकते। एक मिनट सर, आपको पता कैसे चला? English पढ़ो। No person who is already a director of a company which has not filed either its annual accounts or annual return for 3 consecutive financial years. सर 5 years वाली बात कैसे पता चली? Second clause के बाद लिखा हुआ है। No company, no person will be eligible to be appointed or reappointed as a director of any other company for 5 years from the date of default. मिला? एकदम easy कर दिया। अगर आप एक ऐसे company के director हैं जो लगातार अपना 3 साल से annual accounts file नहीं किया timely, क्योंकि exam में आता है file तो किया ना, late file किया मतलब not file, consecutive 3 years या तो ये या तो ये। सर ऐसा चलेगा? दो उसका कर नहीं किया, एक इसका नहीं किया, वो नहीं चलेगा। लगातार एनुअल अकाउंट्स 3 साल का, आपको पता हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को जमा देना पड़ता विद इन 30 डेज। सर आप 60 बोले थे ना, 60 एआर के लिए एनुअल रिटर्न, एमजीटी 7 एनुअल अकाउंट्स एओसी 4 में जाता है। तो ये अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी का, नए कंपनी में 5 साल नहीं बन सकते। सुनो, जहां है ना वहां रहोगे। तुमको लगा होगा यहां से भी हटना है एक्स लिमिटेड से, एक्स लिमिटेड में रहना है, लॉजिक जानते हो क्यों? ताकि वहां फाइल करवाओ, जिम्मेदारी जो चल रहा था गैर जिम्मेदाराना हरकत उसको पूरा करो। 5 साल तक अब नए कंपनी में नहीं आ सकते। सर हम रिजाइन कर दिए एक्स में, हो गया रिजाइन किए 2 साल तो भी नहीं आ सकते, वरना हर डायरेक्टर गलत करने के बाद वहां रिजाइन करके नया कंपनी में मुंह उठा के आ जाएगा। आप 5 साल तक किसी भी और कंपनी में फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, डेट ऑफ डिफॉल्ट फर्स्ट ईयर से काउंट नहीं होगा क्योंकि थर्ड ईयर लगातार होने से तो तुम डिफॉल्टर बनते हो, वहां से 5 साल तक तुम किसी भी और कंपनी में नहीं बन सकते डायरेक्टर। अब पढ़ो लाइंस, मिला? या एक और ऑप्शन है जो सेकंड पैराग्राफ, अब वापस पढ़ो तुम लोग सेकंड में, तुम क्या समझा? फर्स्ट हम समझा दिया, तुम अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हो जिसने ऐसे गुनाहों में से कोई भी एक गुनाह किया हो, या तो एनुअल अकाउंट लगातार 3 साल या लगातार 3 साल एनुअल रिटर्न, तो फिर तुम किसी और कंपनी में डायरेक्टर 5 साल तक नहीं बन सकते। सर हम रिजाइन कर दिया पहले वाले से, नहीं बन सकते। ओके, ये ऑडिट में भी पढ़ोगे अलग से, कुछ कारण है। अब नेक्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है पता? तुम्हारी कंपनी, तुम एक ऐसे कंपनी में डायरेक्टर हो जिसने डिपॉजिटर्स लोग का पैसा नहीं दिया है, मिला क्या? जिसने डिबेंचर्स लोग का रिडेम्पशन टाइम से नहीं किया है, जिसने डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद पे नहीं किया और एक एक साल झुलाया है तीनों पैसे को, वो फेलियर ऑफ 1 ईयर तीनों में कॉमन है। पहले बोलो ये कॉपी हुआ, कॉपी करना है इसको, कर लो अगर करना है तो, फिर हम सेकंड क्लास समझा के क्लास खत्म करेगा। ये कॉपी कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू कॉपी, इफ यू अंडरस्टूड इट्स फाइन, हाँ लिख लिया तो भी चलेगा।
कर लीजिए प्लीज। अरे लिखा हुआ तो है ही, तुमको डायग्रामेटिकली लिखना है तो लिखो, लिखा हुआ तो है, तुम लोग क्या लिखेगा अलग से। 5 साल तक फिर वो नहीं अपॉइंट हो सकते, जहां है वहां रह सकता है, ये भी लिख देना। एग्जाम में लोग को पूछता है अच्छा अब इसको यहां वेकेट करना है ना ऑफिस, नहीं, नई कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, या ऑलरेडी दूसरी कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता। बस और मत लिखो, अब वापस फिर घर में लिखना। अब नेक्स्ट लाइन सुनो, नेक्स्ट लाइन क्या है, इधर देखो, बोलते हैं एक्स इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी विच हैज नॉट रीपेड डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, और सब में एक कॉमन चीज है, एंड फेलियर कंटिन्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईयर। ये भी होना जरूरी है कि हो सकता है हम डिपॉजिटर्स को ड्यू डेट में नहीं दिए, 7 महीना बाद दे दिए, हम नहीं फंसे। फंसने के लिए कॉमन एंड आया, देखो 2-3 और के बाद एक एंड आया, तो उसको ऐसे रीड किया जाता है जो लोग नहीं जानते हैं। और नॉट रिडीम्ड डिबेंचर्स टाइमली, फिर क्या हुआ सर, फिर देखो वापस कॉमन चीज, एंड फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर, अब समझ में आया। और नॉट पेड डिविडेंड, डिक्लेयर करके पेमेंट नहीं हुआ तब, एंड ये अगर नहीं हुआ है ना, अगर फेलियर 1 साल कंटिन्यू नहीं हुआ आप नहीं फंसेंगे। जैसे वहां 3 साल लगातार नहीं होने से आप नहीं फंसे, तुमको एग्जाम में आएगा ड्यू डेट पे डिपॉजिटर्स को नहीं दिया, हाँ 10 महीना बाद दे दिया, तुम बच गए। तो तुम अगर डायग्रामेटिकली पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा 164 सबसेक्शन 2 में कब फंसते हैं, जब ऐसा ऐसा होता है। सर आने के चांसेस 1%, एक बार आया हुआ 164 के डिस्क्वालिफिकेशन पर, हम रिस्क क्यों लें, ट्यूशन दे ही रहे हैं तो मेरा तो नाम होगा ना करवाया हुआ, और ये ऑडिट में भी काम आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ऑडिट में ये ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर इसकी रिपोर्टिंग आती है, तो फॉर ऑडिट पेपर इट विल बी यूजफुल। तब आप नए कंपनी में, हाँ हाँ आराम से फुल पेज कर दो, एक्स कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इन न्यू कंपनी फॉर 5 ईयर्स। पता है 5 ईयर्स कहां से कंटिन्यू होगा, इस 1 ईयर के बाद से, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर दे देता तब तो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना। ड्यू डेट से पहले 1 साल पार करो फिर 5 ईयर्स काउंट करना। He cannot become, fast लिखिए, आप लोग स्लो लिखते हैं थोड़ा, मतलब ऐसे मैंने देखा है, कोई बात नहीं, पेपर उतना लेंदी नहीं होता सी एम ए इंटर इज एक्चुअली नाउ इट इज एक्सट्रीमली इजी सो फार एज लॉ पेपर इज कंसर्न, पहले बल्कि टफ था, बिकॉज आपने देखा था उसने MTP वॉट लेवल, मतलब 1.5 घंटे में ही पूरा हो जाए पेपर, वो सब क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स के होने चाहिए, वो हाफ के भी नहीं होने चाहिए। फिर लोग पता नहीं अपोजिशन क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या पेपर पैटर्न उन्होंने कर दिया। हाँ राइटिंग में थोड़ा इजी मुश्किल होता है, बट टाइपिंग में भी बेचारे ज्यादा कोई टाइपिंग दे नहीं रहे, इट्स वेरी लिमिटेड टाइपिंग। वो वाले पेपर्स भी हार्ड होते थे, 5-5 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस, क्या तो टाइप करना था, देखे नहीं आंसर का स्टैंडर्ड, मतलब आई वुड से इट इज अ बिलो स्टैंडर्ड पेपर। कोई स्टैंडर्ड था, लेबर क्लास टाइप के 2-3 क्वेश्चंस थे, और एकदम बेबी कंपनी लाइक भी एकदम बेबी टाइप का, नींद में सोए सोए लेटे लेटे भी कर ले। MTP सॉल्विंग किया था मैंने आप लोग से, वॉज इट अ टफ पेपर, नॉट एट ऑल, जो कंपनी लॉ के क्वेश्चंस थे उसमें भी स्किल ही चेक नहीं हो रहा एक्चुअली में। तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे उस MTP में डायरेक्टर से बहुत क्वेश्चंस आ गए थे, दूसरे MTP में कहीं और से आ जाएंगे। रियल एग्जाम में भी ये होता है, ये लोग टारगेट करके एक चैप्टर से तबाह कर देते हैं, वही चैप्टर अपना छूटा हुआ तो गए।
ये कॉपी की कर लिया आप? तो दिस इज 164 सबसेक्शन 2 जो हम लोग कर लिए थे. एंड अगर कोई नया डायरेक्टर आता है जहां पे ऑलरेडी ऐसी गुस्ताखियां चल रही है, तो सोचो आज हम ज्वाइन किए हैं और मेरी कंपनी पता है कौन सी है जो 3 साल से एनुअल अकाउंट्स फाइल नहीं की है, तो क्या हम फंस जाएगा? हमको 6 महीने का टाइम दिया जाता है गलती सुधारने का. नया डायरेक्टर अगर ऐसी दलदल में आता है तो उसको 6 महीने का टाइम दिया रहता है, उसको ही सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता. तुम्हारे को भी टेंशन नहीं है, इतना कुछ नहीं आएगा इंटर में. सीधा लास्ट लाइन में जाओ, 164(3) है तुम्हारे बुक्स में कहीं. बोलते हैं प्राइवेट कंपनी एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकता है. मतलब वो कुछ और भी लिख देगा, अगर हमारे यहाँ डायरेक्टर बनना है तो पहले इतना रुपया का शेयर इन्वेस्ट करो. प्राइवेट कंपनी में एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी हो सकता है. यानी एक चीज काउंट करो, बताओ डिस्क्वालिफिकेशन के कितने पॉइंट्स है, काउंट करो शुरू से. 1 के अंदर कितने थे? 9 थे क्या? 9 थे क्या? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ही हैज अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंसी इज पेंडिंग, कॉल मनी नहीं दिया और 6 महीना पार हो गए, आप जेल गए हैं 6 महीनों के लिए कोई ऑफेंस के लिए, एंड 5 साल पार नहीं हुए तो आप नहीं बन सकते, और 7 साल के लिए जेल गए हैं तो कभी भी नहीं बन सकते. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के उल्लंघन आपने पिछले 5 सालों में किया तो अब नहीं बन सकते, अगर वो 5 साल का दायरा कंप्लीट नहीं हुआ है. ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले आप लोगों को. और डिन नंबर नहीं है, 165 आपका वो 20 नंबर का गिनती काउंट हो गया. एंड अभी पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं हम लोग को, क्या है नहीं याद होगा, नीचे झांक लेंगे. आप लोग को तो झांकने का मौका नहीं मिलेगा नीचे. हाँ बाएं दाएं झांक सकते एग्जाम हॉल में. प्राइवेट कंपनी, तो एग्जाम में ना एक अजीब क्वेश्चन आया, प्राइवेट कंपनी का एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा नहीं प्राइवेट कंपनी, तो क्या लिखा? एक्स पीवीटी एलटीडी. उसमें कुछ अजीब मांग कर रहा था, डायरेक्टर बनना है तो हमारे यहां ये करो, वरना यू आर डिस्क्वालिफाइड. तुम भावुक हो गया, वो ना अनसाउंड माइंड का है ना इंसॉल्वेंट है, ये कैसे प्राइवेट कंपनी बोल सकता है? बोल सकता है अपने आर्टिकल्स के थ्रू, एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. सर आपके बुक में ना केस स्टडीज हैं, किसी बुक में अगर वाली एडिशन मिल गई है, कुछ भी नहीं करना है आपके सीएमए इंटर में, कुछ भी नहीं आता वैसा. ओके थैंक यू सो मच. ओ किसी किसी बुक में ये भी तो दिया हुआ था, सबकी इस बुक दिखाई. ओ तो इसको भी देख सकते थे वो, इस वो जो तोड़ तोड़ जिसकी इंग्लिश खराब है उन लोग ऐसे तैयारी कर सकते थे. और ये डिस्क्वालिफिकेशन भी वाओ जबरदस्त दिया हुआ था इस टाइप का चीज, एडिशनल ग्राउंड्स. तो नोट्स बनाने की दरकार नहीं है. अगले दिन हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स पढ़ेंगे, वो बहुत इजी है, अब आपको पता ही है. क्या है मैक्सिमम नंबर डायरेक्टरशिप? 20. दो दिन से पढ़ रहे 20. कौन बोला 15? 50. ओह माय गॉड, अच्छा हुआ बोल दिए. वो था, अच्छा हुआ बच्ची फंस गई. वो था एक कंपनी अपने यहां मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने रख सकते हैं, वो 15 है. हम बोला एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनियों में हो सकता है? 20. और 20 में से 10 ऐसे होंगे जो मैक्सिमम. अंडरस्टूड? तो अब टफ नहीं है कुछ, अब सब इजी है. थैंक यू सो मच, कम अगेन, मीट अगेन, बाय. ओके एवरीवन, सीएमए क्लास डायरेक्टर्स गोइंग ऑन, एंड अब हम आगे बढ़ेंगे आज. चलिए, कल तक हम लोगों ने देखा था कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता है, यानी कि हु इज डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. एम आई ऑडिबल? हेलो, यस, कैन एनीवन रिप्लाई? आई विल जस्ट चेक इट आउट. ओके, मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं ताकि जो लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हैं रेडी हो जाएं. एंड आई विल स्टार्ट इन 1 मिनट. So we are audible. Okay. Simple चीजें हैं यहां पर. एक इंसान कितने कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, एक क्वेश्चन है. एक इंसान कितने कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, और एक क्वेश्चन होता है एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं. दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. लेट मी क्लैरिफाई अगेन, इन हाउ मेनी कंपनीज अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर. और एक है
हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन देयर बी इन द कंपनी, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस, रिमेंबर. सो व्हेन आई से इन हाउ मेनी कंपनीज अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर, सेक्शन 165 कम्स इनटू पिक्चर. और जब मैं बोलता हूं कि एक इंसान एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तब 149 पिक्चर में आता है, जहां हम लोग एक दिन पढ़े थे. नॉर्मली 15 इज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी मैक्सिमम. 15 के ऊपर जाना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ता है. और यहां है 165 में एक इंसान कितने कंपनियों में डायरेक्टर साइमल्टेनियसली होल्ड हो सकता कर सकता है. तो इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप. यानी कभी कभी, कल आपने एक वर्ड पढ़ा था, आप बदली में आते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप. तो जब आप बदली में आते हैं कहीं पर, तो उस सिचुएशन में वो भी आपके डायरेक्टरशिप में काउंट होगा. तो बोलते हैं कि एक इंसान मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है एट अ टाइम. और इस 20 में से मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज आपकी 10 हो सकती है. 20 में से जो मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज है वो आपकी 10 हो सकती है. यानी कि अगर मैं ऐसा एक स्कोर दूं तो आई एम नॉट रॉन्ग, 10 out of 20 मैक्सिमम कंपनीज में मैं डायरेक्टर एट अ टाइम हो सकता हूं. और 10 जो होंगे पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, 10 पब्लिक कंपनीज. तो एक लड़का पूछता है, सर आप 10 पब्लिक ले रहे हैं तो आप क्या 10 प्राइवेट ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, 10 पब्लिक 10 प्राइवेट अलाउड है. 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट अलाउड है. सर मैं 15 प्राइवेट एंड 5 पब्लिक कंपनीज ले सकता हूं. हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप लेट ज्वाइन किए, वी वर स्टडिंग इन हाउ मेनी कंपनीज यू कैन बी डायरेक्टर. तो आई टोल्ड अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज एट अ टाइम. कल भी पढ़ चुके हैं, पहले दिन भी पढ़ चुके थे. सर आप 15 बोलते थे, वो अलग क्वेश्चन था कि एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं. वहां हम लोग बोलते थे 15, और 15 के ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. व्हाट इज दिस कि एक इंसान कितने कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है? आंसर है 20, और 20 में से 10 कंपनीज पब्लिक हो सकती है मैक्सिमम. सर एक बात बताइए, 15 प्राइवेट 5 पब्लिक चलेगा? तुम लोग बताओ, 15 पब्लिक 5 प्राइवेट चलेगा? मैं वेट करूंगा. 15 पब्लिक 5 प्राइवेट चलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप, 15 पब्लिक 5 प्राइवेट चलेगा? मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा. 15 पब्लिक 5 प्राइवेट चलेगा? आंसर नहीं आ रहे. तो आंसर है नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा बताओ? सर आप दिखा रहे हैं 20 टोटल में हो रहा है, पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा पब्लिक कंपनीज 10 के ऊपर नहीं जा सकते, पब्लिक कंपनीज 10 के ऊपर नहीं जा सकते. रिमेंबर दिस, ओके? तो हमें यह चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक कंपनीज 10 के ऊपर, यस राइट प्रतीक, पब्लिक कंपनीज 10 के ऊपर नहीं जा सकते. इसमें एक दो चीजें और हैं. अल्टरनेट डायरेक्टर तुम कहीं हो वो काउंट होगा. फिर लिखा है अगर आप किसी सेक्शन 8 कंपनी में है, प्लीज यूज अलग अलग इंक. अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी में है, यू आर नॉट काउंटेड. अगर आप कोई डॉर्मेंट कंपनी में है, हम लोग इनिशियल क्लासेस में डेफिनेशंस में पढ़ते थे, जो इनएक्टिव कंपनी है, लास्ट 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, आप अगर एक डॉर्मेंट कंपनी में डायरेक्टर हो, आपको ये काउंट नहीं किया जाएगा. एंड पब्लिक कंपनीज आपकी 10 हो सकती है मैक्सिमम. सर 20 था ना? एमसीक्यू में बी केयरफुल, एग्जाम में आएगा मैक्सिमम हाउ मेनी पब्लिक कंपनीज यू कैन बी अ डायरेक्टर. बच्चा लिखकर आएगा 20, बच्चे को मिलेगा 20 out of 100, पर बाद में घर आके पता चलेगा पब्लिक कंपनीज की अपर लिमिट थी 10. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनी को काउंट करने में, कभी कभी प्राइवेट कंपनी में अगर आप डायरेक्टर वो काउंट होगा अगर वो प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, तब वो इंक्लूड हो जाएगी. वापस सोचो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं आप भी, कि अगर एग्जाम में आता है आप 8 पब्लिक में हैं 12 प्राइवेट में हैं, तुम तो खुश हो जाओगे 20 20, और 10 भी क्रॉस नहीं हुआ पब्लिक का. आगे इंफॉर्मेशन में दिया है 12 प्राइवेट में से 4 प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक सब्सिडरीज हैं
पब्लिक कंपनी की। तो जो प्राइवेट कंपनीज बॉयज एंड गर्ल्स, जो प्राइवेट कंपनीज, सुन रहे वीडियो से बाहर आ रहा हूं शिवम, जो प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी वो भी यहां पर पब्लिक कंपनी में काउंट होगा। दिस इज द ट्रिक इन्वॉल्व्ड, नेवर आस्क्ड इन सीए मे एंटर एग्जाम्स, बट पता होना चाहिए। मतलब आपको तो सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, नीचे बहुत ज्ञान दिया हुआ है, वो आपके सीएमए इंटर एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। तो अब आपको मैंने एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ा दिया कि प्राइवेट कंपनीज की डायरेक्टरशिप भी कई बार पब्लिक कंपनीज की तरह ट्रीट होते हैं, अगर प्राइवेट कंपनीज होल्डिंग या सब्सिडरी हो। मैं फुल पेज करता हूं, ऑब्जर्व कर लीजिए, फाइनल्स में फिर से डिटेल में है। ओनली टिल हियर यू विल रीड, एक्सक्लूडेड कैटेगरीज भी लिख लिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और आप लोग को नहीं पढ़ना अभी, 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, क्रिस्टलाइज करिए रिवाइज करके, और घर से भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है आपको। ये पेज में और कुछ नहीं पढ़ना अभी, और हो सकता है कोई कोई की बुक्स मैं जो रीडिजाइन करूंगा आगे कुछ दिया हुआ ही नहीं होगा। सीएमए इंटर के अनुसार ये एक रेलिवेंट लिमिटेड मार्किंग है। चलिए लंबा सांस, 10 सेकंड टाइम, कुछ नहीं पढ़ना अब आपको। ये आइए, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में, इंटर में, फाइनल्स में भी आया हुआ है, इंटर में भी आया हुआ है कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती है। पता है पहले डायरेक्टर बनने के लिए लोग है ना मरते थे फैमिली ओन्ड कंपनीज में, बड़े भाई साहब डायरेक्टर क्यों बन रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा काबिलियत रखता हूं, मुझे डायरेक्टर बनाइए। अब आजकल घर में कोई नहीं लड़ता है, क्योंकि उनको पता है जब भी कोई केस होता है, कई बार कंपनी के डायरेक्टर्स क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं अगर कंपनी से कोई बड़ा मतलब कोई नेग्लिजेंस का काम होता है तो डायरेक्टर्स ही पकड़े जाते हैं। सो नाउडेज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू मच इन बिकमिंग अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर की बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं। तो आपको कुछ ड्यूटीज पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, पेन गिर गया, पेन टूट गया, मैं उठा रहा हूं। स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले लिखा है डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है, अगर आप अपनी किताबों को भी देख रहे हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए, अ डायरेक्टर विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। डायरेक्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ डायरेक्टर विल एक्ट इन गुड फेथ, अ डायरेक्टर विल एक्ट इन गुड फेथ टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर हमेशा कंपनी के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा, मेंबर्स के बारे में सोचेगा, कंपनी के एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट के बारे में भी डायरेक्टर सोचेगा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स में, डायरेक्टर्स गुड फेथ में काम करेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, एनवायरमेंट। इज इट ओके? नेक्स्ट, अ डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विथ व्हाट, ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डेलिजेंस। डायरेक्टर ड्यूटीज को रीजनेबल केयर के साथ एक्सरसाइज करेगा, मतलब बहुत ध्यान से वो जजमेंट जो भी लेगा डायरेक्टर, वो एक इंडिपेंडेंट जजमेंट होगा, बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी चीज उसके हक में जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब होता है इम्पार्शियल। मैं वापस पढ़ने का टाइम दे रहा हूं। और पता है कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ जाता है, यानी कि कुछ कंपनी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जा रहा है जिसमें डायरेक्टर का भी कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो उसको कोशिश करना चाहिए ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ना आए। और कभी अगर उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट पिक्चर में आ रहा है, देन डायरेक्टर मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। कहां लिखा हुआ है, लुक एट द स्क्रीन्स। A director shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts with the interest of the company. पढ़ के देखिए, यानी आप एक चीज देखो ध्यान से, मैं इसको याद भी कराऊंगा एक टेक्निक से आपको। यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, reasonable care,
अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। और डायरेक्टर को कभी भी कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स, अनड्यू गेन हासिल करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके और अपना डायरेक्टर जो है वो, जो उसकी ऑफिस है, उसकी ड्यूटीज है, वो कभी डेलीगेट नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टर हूं पर मैं बिजी हूं, चल मेरे जगह तू बन जा। दिस इज नॉट अलाउड। अ डायरेक्टर विल नॉट असाइन हिज ऑफिस। चलिए फुल पेज करता हूं, ये पढ़ने की दरकार नहीं है। तो दिस इज ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स। मैं अभी इसको एक टेक्निक से याद भी कराऊंगा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार लिखो 4 मार्क्स 5 मार्क्स। तो डायरेक्टर्स अगर सॉलिड कर लेते बहुत अच्छा रहेगा। Start doing it, everyone. आपको याद कराऊंगा, एक टेक्निक दिखाऊंगा कि ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स कैसे याद करेगा अपना प्रतीक भाई। अभी देखते हैं प्रतीक कैसे याद करेगा। प्रतीक की कहानी मेरी जुबानी आप सुनेंगे। चलिए मैंने प्रतीक को पूछा, प्रतीक बुरा मत मानना, तुम्हारी कोई गुलाब खास, अल्फांजो, समझ में आ रहा, कोई मतलब कोई दिल के खास कोई है क्या कोई ऐसा? तो प्रतीक बोला हाँ, मैं प्रतीक जैन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्रतीक। तो प्रतीक जैन बोला हाँ सर है, सर है, मेरी GF है। तो मैंने उसको एक सलाह दी, जो मैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स में भी सलाह देता हूँ, कि लुक एट द स्क्रीन एंड लुक एट मी ऑल्सो एंड थिंक अबाउट प्रतीक जैन्स GF। प्रतीक जैन को मैंने बोला, प्रतीक जैन तुम GF के साथ हमेशा रीजनेबल केयर बरतना, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करना, तुम उसके साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट में मत जाना, तुम कभी कोई प्रॉफिट कमाने का GF के साथ मत सोचना, अनड्यू गेन। और कभी तुम बिजी हो ना प्रतीक जैन, तो तू अपने भाई सुशील जैन को वहां असाइन मत कर देना कि तुम मिलाओ मेरे GF से आज। तो इस तरह आप ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स ऑल भाई लोग कैन लर्न दैट प्रतीक जैन क्या करता था, GF के साथ रीजनेबल केयर बरतता था, वो अपने भाई को नहीं भेजता था, सुशील जैन जुड़वा भाई थे, चेहरा भी सेम था, वो अनड्यू गेन नहीं कमाता था अपने GF से और कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता था। तो अब आपको ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स बेटर याद हो पाएंगे, दैट कंपनीज एक्ट का ध्यान रखते हुए आर्टिकल्स के अनुसार चले, डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉइज, इट्स शेयर होल्डर्स, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। दिख रहा है कितना कुछ है यहां लिखा हुआ। तो अब आप ऐसा नहीं है कि कुछ बोले कि इतना 8 लाइन था मुझे याद ही नहीं हुआ, मैंने टेक्निक्स भी सिखाए हैं आपको और इस तरह हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके तो CMA इंटर जिंदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। टॉपिक का नाम क्या बच्चों देखो, वेकेशन ऑफ ऑफिस। सर समर वेकेशन या विंटर वेकेशन? ना समर ना विंटर, ना पूजा या क्रिसमस वेकेशन, बंगाल में बहुत छुट्टियां होती है। तो वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कब कब होता है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट, कल हम लोग सुने थे कि अगर डायरेक्टर को अनसाउंड माइंड का हो जाए, याद आ रहा है ये पॉइंट्स आपको, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो जाए या कोर्ट ने उसको सजा सुनाया, बहुत सारे पॉइंट्स से बोल रहा है कि इफ ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ 164, कल जो पढ़ रहे थे 164 में, कल याद है क्या क्या था, 164(1) था, 164(2) था, फिर एक प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एक्स्ट्रा ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देती है, पढ़ा था ना आपने। तो द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर विल बिकम वेकेंट इफ ही इनकर्स
एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 164. ओके, बट आगे क्या लिखा हुआ है? अगर वो कल 164 सबसेक्शन 2 वाला डिस्क्वालिफिकेशन किसी को याद है? अगर आप एक ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हैं जिसने अपना AA और AR एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का फाइल ना किया हो, या आप एक ऐसे कंपनी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने डिपॉजिट्स का ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया एंड द फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन ड्यू डेट पे नहीं किया एंड द फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे नहीं किया एंड द फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, देन सच पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट. नए कंपनी में आप अपॉइंट या दूसरे कंपनी में अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हो सकते, पर जहां है वहां रहेंगे ताकि डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर सके. यही यहां पे लिखा हुआ है, इफ ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 164(2), द ऑफिस विल बिकम वेकेंट इन ऑल द कंपनीज अदर देन द कंपनी इन विच इज इन डिफॉल्ट. मतलब क्या है, जिस कंपनी में आपने डिफॉल्ट किया है वहां से नहीं हटना है, पर बाकी कंपनियों से आपको हटना पड़ता है अगर आप 164(2) वाला डिफॉल्ट एक्स लिमिटेड में किए हैं. तो वाई जेड KPR लिमिटेड में भी तुम डायरेक्टर थे, वहां से हटना पड़ेगा. तुम एक्स लिमिटेड में कंटिन्यू रहोगे पर बाकी कंपनीज से तुम्हें वेकेट करना पड़ेगा. तो ये एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स के लिए कोई छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है. सर और क्या क्या ग्राउंड्स हैं वेकेशन के? बहुत सारे हैं, आपके सिलेबस में सब नहीं है क्योंकि आपके कई सेक्शन ही नहीं है. आप बी पढ़ोगे, अभी ई पढ़ोगे, एफ पढ़ोगे, स्टार्ट रीडिंग. आप बी ई और एफ पढ़ोगे, स्टार्ट रीडिंग प्लीज. स्टार्ट रीडिंग प्लीज. He absents himself from all the board meetings held during 12 months with or without seeking leave of absence from the board. यानी डायरेक्टर 12 महीने में सारे बोर्ड मीटिंग एबसेंट किया है, उसे हटना पड़ेगा बिकॉज तुम टाइम दे नहीं पा रहे हो कंपनी को. ऑल बोर्ड मीटिंग्स, लैंग्वेज क्या है देखो, ऑल द बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स. अब एक डायरेक्टर होशियार है, हम बोल के परमिशन लेकर अपना इलाज कराने गए थे, बोल दिए थे 1.5 साल लगेगा, मेरे को कोई बड़ी बीमारी फर्स्ट स्टेज में हुई थी, नहीं चलेगा ये सब. तुम बोल के गए हो या बिना बोले गए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ही एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग 12 मंथ्स विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड. सारे बोर्ड मीटिंग्स अगर आपने मिस किए हो ड्यूरिंग 12 मंथ पीरियड With or without seeking leave of absence of the board, तो आपको हटना पड़ेगा. Okay, very good. कोई कोर्ट ने आपको घोषित कर दिया कि तुम्हारे जैसा आदमी कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, या NCLT ने घोषित कर दिया, तुमने कोई फ्रॉड किया कहीं तो तुमको डिस्क्वालिफाई कर दिया कि तुम इतने पीरियड तक किसी और कंपनी का मैनेजमेंट नहीं संभालोगे, या कोर्ट ने तुम्हें इमोरल काम या अदरवाइज, लैंग्वेज मिल रहा है आपको, मॉरल या अदरवाइज के दूसरे ऑफेंस के लिए भी 6 महीने की अगर सजा सुनाई है तो तुम्हें फिर वेकेट करना पड़ेगा. एग्जाम में आएगा तुम्हें सजा सुनाई गई है 4 महीने की, तुम्हें वेकेट नहीं करना है. वेकेशन का नौबत कब आता है? इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. तो ये 4-5 पॉइंट्स बहुत पॉपुलर वंस हैं, 4 कम से कम पता रखिएगा. अंदर बहुत कुछ है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एट योर लेवल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. एंड प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू अदर ग्राउंड्स भी प्रोवाइड कर सकता है. जैसे उस दिन हम लोग पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स के थ्रू अदर ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वैसे प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड
अदर grounds फॉर vacation ऑफ ऑफिस by its articles ऑफ एसोसिएशन. ये बीच का कुछ नहीं पढ़ना आपको, फाइनल्स में पढ़ते हैं वो सब चीज, पर ये आपको कम से कम पता होना चाहिए था. 12 महीने के सारे बोर्ड मीटिंग्स में आप एब्सेंट थे. सी और डी मैंने नहीं पढ़ाए बिकॉज वो सब सेक्शंस इंटर में नहीं है. और सीधा प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स के थ्रू एक्स्ट्रा ग्राउंड्स रख सकता है. मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूं कोई का अगर क्वेरी हो. डिफॉल्ट ठीक करने के बाद भी वो डायरेक्टर, अगर मैं 164(2) के अंदर फंस गया हूं तो डिफॉल्ट ठीक करने के बाद भी मैं 5 साल तक तो डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा. वरना हर आदमी नो एंट्री में घुसेगा, फाइन दे देगा, बोलेगा अच्छा अच्छा अब हम वापस गलत तरीके से जाएगा. दैट कैन नॉट बी डन. प्लीज डू इट. Anything else you want to know? No? Very good. तो हम लोगों ने पढ़ा लेआउट कब हटना है, वेकेशन कब आता है केस, और 164 और 167 कैसे लिंक है. आज पता चला कि जहां मैं गलती किया हूं वहां से मुझे नहीं हटना है, बाकी सब कंपनीज में मुझे हटना होगा. अब आप बोलेंगे हम ठीक कर दिया तो बाकी सब कंपनीज में वापस आ जाए, ऐसे ऑटोमेटिक रिवाइवल का कॉन्सेप्ट नहीं है. हट गए मतलब हट गए. और अब 5 साल तक तुम उन कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बन सकते जो हम लोग 164 में पढ़े थे. कम टू 168, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर. वैसे ही हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे, आपको बताया था मैंने कि डायरेक्टर कैसे रिजाइन करेगा. सर फोन कर दिए थे, ऑडियो भेज दिए थे, मैसेज जैसे आप भेजते. नो, राइटिंग डायरेक्टर कंपनी को रिटन नोटिस भेजेगा कि हम जा रहे हैं. कंपनी आरओसी को DIR 12 जमा देगा. सर DIR 12 तो अपॉइंटमेंट के समय देता है ना, कल ही पढ़ा था DIR 12 अपॉइंटमेंट एज वेल एज रेजिग्नेशन के केस में भी जाता है. फुल पेज करो एक बार, 30 दिन के अंदर. और बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि देखिए ऐसा ऐसा एक डायरेक्टर रिजाइन किया है. अब हम डायरेक्टर हम बोलते हैं कल से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा. एक तारीख देना पड़ता है कि रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव होगा. रीड दिस 5 लाइन्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. बस ये 2 ही पैराग्राफ्स पढ़ने थे आपको यहां. मैं डायरेक्टर हूं, मैं 1 जुलाई को नोटिस भेजा हूं, उसमें लिखा हुआ है 4 जुलाई से मैं डायरेक्टर नहीं रहूंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूं. अरे रुको, सामने वाले को चिट्ठी मिलने दो पहले. अंडरस्टूड, तब वो इफेक्टिव होगा. तुमने 4 लिखा है, उसे चिट्ठी 7 जुलाई को मिली है, 7 जुलाई से इफेक्टिव होगा, विच एवर इज लेटर डेट. सपोज 7 जुलाई को मिला है उसको चिट्ठी, पर उसमें तुमने पहले से लिख के दिया था मैं 1 अगस्त से रेजिग्नेशन दूंगा, तो फिर 1 अगस्त से होगा. सिंपल इंग्लिश है, विच एवर इज लेटर, पढ़ के देखो. और हटने के पहले जब जो डायरेक्टर था, जो जो कारनामा है उसने किए हैं, उसके लिए वो लायबल रहेगा. वरना हर आदमी गलत करके रिजाइन कर देगा, बाय अब तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं. अंडरस्टूड, ये नहीं चलेगा. फुल पेज करिए, फिर से बच्चों को पढ़ने दीजिए. रिटन नोटिस इंपॉर्टेंट है, ओरल नोटिस विल नॉट सफाइस. कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिख दिया गया है रिटन नोटिस होना चाहिए. Sure everyone, very good. तो हम लोग बेटर फील कर रहे हैं. वी हैव अंडरस्टूड अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर 2. नाउ व्हाट else?